आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। वैसे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। आज से मैं काफी अर्से से तुमसे ये बात कहना चाहता था। आप खुलकर बात कीजिए। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है हमदर्दी जताने की, इस काबिल नहीं है कि इससे हमदर्दी की जाए, इस पर एतमाद किया जाए। एक बार फिर मेरे एतमाद को तोड़ा है। मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसे लेकर औरतों को खुद जाएगी, मुझे माफ कर दे। अस्फी, तुम यहाँ? चले। अब हाथ छोड़ो मेरा, सब लोग देख रहे हैं। हमारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा। मिस्टर, ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है। मेरी मोहब्बत तो पुरानी नहीं हुई ना, वो तो हमेशा की तरह नहीं है। तुम्हारी यही बातें तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाए रखती। अबे तो कुछ भी नहीं है, हमारी शादी हो लेने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे इश्क में शायर नाना बन जाऊं। हाँ, शादी होना ही तो मुश्किल नजर आ रहा है। मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ। क्यों? देखो नासिर, अम्मी अबू मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, और अभी जो रिश्ता आया है, मुझे तो डर है कि अम्मी अबू कहीं से को हाँ ना करते। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बस फिर एक ही हल है, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ ना, तुम्हारे इश्क में पागल ही हो। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। बस करो, बस वादे करते रहते हो तुम, और करना कराना कुछ भी नहीं। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ अपनी माँ को मेरे यहाँ भेजो, लेकिन तुम ओके टाले जा रहे हो। ठीक है, मैं अपनी अम्मा को भेज देता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, सब सामना तुम करोगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो वो मार ही देंगे। तो फिर एक काम तो होगा ना, या तो तुम्हें मार देंगे, या फिर चुपचाप वो जहाँ तुम्हारी शादी कहते हैं वहाँ शादी कर लो। नहीं नासिर, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तो बस फिर ठीक है, फिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर। चाचू को इस बात का पता है कि तुम यहाँ यूनिवर्सिटी बंक करके इसके साथ डेट्स मारती फिर रही हो? नहीं काशी, ऐसी बात नहीं। सुनो, फौरन रास्ता ना पोक ना संजय, और आइंदा मेरी जाती जिंदगी में मदाखलत की ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। कजन है मेरी, ख्याल है मुझे उसका, इज्जत है हमारी, जिसे तुम यूं लेकर सड़कों पर घूम रहे हो। क्या बकवास की तुमने, बताऊं तो मैं क्या कर रहा हूं मैं? हाँ अच्छा, मतलब गलत भी करो, हमारे खानदान की इज्जत खराब करो, और उसके बाद मुझे आंखें भी दिखाओगे? अपनी बकवास बंद कर लो, वरना ऐसा मुक्का झाड़ूंगा ना तुम्हारे मुंह पे, सारे दांत टूट के जमीन पे आ जाएंगे। असवी, चलो आज ये भी देख लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कितना मारता है। मारो मुझे काशिफ, मत मारो। देखेगा मर्दांगी, दिखाऊं तुझे? हाथ पीछे। क्या करेगा? अस्वी, अस्वी छोड़ो, काशी, काशी। ऑटो। अरे क्या हो गया, कुछ बताए तो सही। या अल्लाह, रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए, खुदा के वास्ते कुछ तो बताए क्या हो गया। अरे रुके तो सही। कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम बेहयाई से चिपक कर बैठी हुई थी? घर में मेहमान आने वाले और आपने हंगामा खड़ा कर दिया। ये बेहया लड़की मेरी इज्जत को चौराहे पे नीलाम करके आ रही है, और तुम कह रही हो मैं हंगामा कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी इस वक्त खामोश हो जाए, अगर इसके ससुराल वालों के कानों में भिनक पड़ गई ना इस बात की, तो ये रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूटे या जुड़े, मैं इसकी टांगे जरूर तोड़ दूंगा। पता कौन था वो लड़का? कब से जानती हो तुम इसे? अब वो मेरा कॉलीग था।
गुरी के साथ तो कोई इतना चिपक कर नहीं बैठता। सच सच बताओ। मैं और वो शादी करना चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। कुछ तो ख्याल करें, मेहमान घर में आने वाले हैं। जान से मार दूंगा इसे मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। खुदा के वास्ते चुप कर जाए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बदनामी हमारी घर की तलीज नहीं छोड़ेगी। दूर रहना तुम इससे, कोई जरूरत नहीं है इससे हमदर्दी जताने की। इस काबिल नहीं है कि इससे हमदर्दी की जाए या इस पर एतमाद किया जाए। अब्बू आप सिर्फ एक बार नाजर से बंद करो अपनी, यही के यही टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। प्लीज चुप कर जाए। अच्छा अब आप अपना मूड तो ठीक करें ना, मेहमान आने वाले। बापों की बेटियां इस तरह आवारा घूमती है ना, उनके मूड कभी ठीक नहीं होते। अच्छा आप जाइए जाइए, मैं इसे समझाती हूँ, आप जाइए ना। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना दुपट्टा तेरे पैरों में रखती हूँ। खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का ख्याल रख, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी बदनामी हो जाए। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? देख मेरी बेटी, मत चल उन राहों पर जिनकी मंजिल बदनामी होती है। और ये तो ऐसी खाई है जिसमें सिर्फ लड़की नहीं उसका पूरा खानदान जिंदा दरगोर हो जाता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत कहना उन लोगों के सामने, खामोश रहना, बस खामोश रहना, हमारी इज्जत रख लेना। ये रहे शगुन के पैसे, जाओ जाके अब्बू को बता दो कि मैं नासिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप ही आहिस्ता बोलो, बाहर आके ससुराल वाले बैठे, किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। हाँ और जो मेरे दिल पे कयामत बीत रही है उसका कुछ नहीं, उस बात का किसी को कोई एहसास नहीं है। आप क्यों जिद लगाए बैठ गए? जो आप चाह रही है वैसा नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, जो ये लोग चाहते ना वो भी नहीं हो सकता। खुदा के लिए आहिस्ता बोल ले, कम से कम अब्बू की उम्र का ही लिहाज कर ले। अरे भाई मेरा मतलब ये है, रमजान इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मंगनी कर देते तो लड़के को देखने परखने का वक्त तो मिल जाता। बस आपा मुझे जो मुनासिब लगा वही मैंने किया, फिर देखा नहीं आपने उनकी कोई डिमांड भी नहीं है और बार बार वो जहेज के लिए भी मना कर रही थी। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। आपा जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। अच्छा भाई जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, वैसे भी तुमने सारी जिंदगी हमारी बात मानी, कब है जो अब मानोगे? अरे सलमा आपा इनके कहने का ये मतलब नहीं था। अरे रहने दे रिफत, ये बचपन से ऐसा ही है मतलब ही। उफो आपा मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? मैंने अपनी औलाद के लिए जो बेहतर समझा वो किया। अच्छा बाबा जो अपनी औलाद के लिए मुनासिब लगे ना वो कर, मत मान किसी की। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए ना तो हमें कुछ ना कहना। अच्छा रिफत चलती हूँ मैं। अरे सुनो ना आपा, देखो इस तरह नाराज मत होना, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल में मत रखना। अरे तुम्हें पता तो है मैं कोई बात दिल पे कहाँ लेती हूँ, और ये बहन भाइयों का मामला इसी तरह चलता रहता है। चल भाई रमजान जाती हूँ, कल की तैयारी भी करनी। अल्लाह हाफिज आपा। आप भी हद करते हैं, अरे आपा के साथ इस तरह तल्ख होने की क्या जरूरत थी? जानती नहीं हूँ क्या, बदनामी की बला मुंह खोले हमारी इज्जत को निगलने के दर पे है, ऐसे में बंदा तल्ख हो ही जाता है। फिर उन्होंने बुरा तो नहीं माना ना? फिर भी आपको अपना लहजा धीमा रखना चाहिए था, बड़ी बहन है आपकी। अच्छा अच्छा अब क्या करूं पोपो, मेरा नासिर से मिलना बहुत जरूरी है और उसका नाम मुसलसल बन जा रहा है, प्लीज मुझे बताए मैं क्या करूं। तुम्हें नासिर का घर पता है? हाँ मैं जानती हूँ। तो तुम उसके पास चली जाओ। क्या मतलब? भाग जाओ। ठीक है पप्पू, पप्पू आप सब संभाल लीजिए, मैं आप पे भरोसा करके जा रही हूँ। अरे मैं सब संभाल लूंगी तानिया, जाओ वक्त जाया मत करो, जाओ उठो।
जाओ बेटा जाओ, जाओ अपनी जिंदगी जी, जाओ तानिया, जाओ। नासिर, ये लड़की कौन है? अम्मा ये तुम घर से भाग कर आई हो ना? नहीं अम्मा। तुम बकवास बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली है। कहां से आई हो लड़की तुम? मैं नासिर के साथ स्कूल में पढ़ाती हूँ। आपको नासिर ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया क्या? लो भाई, उस्तानी को खुद तालीम की जरूरत है। जो लड़की घर से भाग कर आई हो तो वो बच्चियों को क्या इखलाकी तालीम देगी? हाँ अम्मा, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम चुप कर जाओ। उल्लू, मैं इससे खुद बात कर लूंगी। हाँ बोलो। अम्मा मेरी बात तो सुनो ना, इधर आए ना आप। अम्मा इधर मेरी बात तो सुनो ना। बात मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई, बताओ भला ये दिन भी आना था? अरे दो टके के लोग हमारी बेइज्जती करके चलते बने। यार तुम तो खामोश रहो, खुदा के लिए कुछ सोचने दो। मैं खामोश रहूं? अरे लोगों को कैसे चुप कराएंगे? अरे भाई आपस में उलझने की बजाय इस मसले का हल सोचो। इस मसले का एक ही हल है कि मैं उसे यहाँ लाऊं और इसी सहन में दफन कर दूं। बंद करो रोना धोना, तुम ही जिम्मेदार हो उसकी। सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। क्या करें मामू, इसमें मुमानी की क्या गलती है? सोरी, गलती इसी की है। इसने ऐसी गंदी औलाद पैदा की है, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये मसला जोश से नहीं, होश से हल होगा। अगर उस लड़के के घर का एड्रेस जानते हो तुम तो चलते हैं वहां, बात करते हैं घर वालों से। लो अब क्या बात करनी है? अरे तानिया तो अपनी मर्जी से भागी है। अपनी मर्जी से सही, लेकिन अगर इज्जत से उसे घर से रुखसत करेंगे तो हमारी इज्जत का कुछ ना कुछ भरम रह जाएगा मुआशरे में। वैसे अगर आप लोग मेरा मशवरा माने तो पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें। यार तुम चुप करो, हम है ना कर लेंगे खुद। मैं कहता हूँ रमजान चलते हैं हम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आनिया तुम्हें पता है उस खबीस का एड्रेस? नहीं अबू मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ही की एक दोस्त है फारिया, उसे जरूर मालूम होगा। तो ठीक है अबू, तुम कॉल करो उसे और तरीके से उसका एड्रेस मालूम करो। तुम्हारे घर वालों का मामला है, जाओ इनके साथ तुम। भाई खुदा के वास्ते अपनी सौगात को ले जाए, चाहे रख या मार, लेकिन यहाँ से ले जाए, हमारी जान से उतारे। देख देख इन जलील लोगों की वजह से तू मेरी इज्जत को दागदार करके चली आई। मैं नहीं जाऊंगी, ये लोग मुझे मार देंगे ना सर। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये हमारी गारंटी है। भाई तुम्हें अपने बाप पे ना सही, मुझ पे तो यकीन करना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रही हो। नहीं कुछ भी हो जाए ना सर, मैं लोगों के साथ ही जाऊंगी। अब्बा मुझे मार देंगे। अब बहुत हो गई तेरी ड्रामेबाजी। मैं दारुल अमान चली जाऊंगी अब्बा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चलो ना सर। छोड़ दे, क्या हो गया? कोई पुलिस को बुला लेगा, नई मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। तुम इस वक्त चलो, बाद में देखते हैं, बाद में खुल जाएंगे। शुक्र है अम्मा, शुक्र है ये लोग चले गए, शुक्र। मनुष्य किस मुसीबत में फंसा दिया, निकाल उसको और घर से बाहर कर उसे। अम्मा कहाँ भेजूं उसे, उसका बाप तो उसे लेके जाते ही गोली मार देगा। चाहे वो काटे या मारे हमें इससे क्या, निकाल बस उसको यहाँ से। अम्मा ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो ना।
अब कौन सी सूर फूकी है तूने? इज्जत तो तूने खाक में मिला दी खानदान की। अम्मा ये लड़की नहीं है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ये लड़की तो इस वक्त मुझे किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही है। इसके होते सोते अगर कुछ कर जाते तो मैं क्या करती? अम्मा जो मैं बताने लगा हूँ ना, एक दफा वो सुन, फिर जो समझ में आए ना वो कर। चल बता। कितने वर्षों बाद मेरे अंदर जलते इंतकाम की आग ठंडी हुई है। ए अल्लाह तेरी तो ही जाने कैसे करो फरसे। सिर्फ ने कहा था कि तुम्हारी शादी हम अपनी मर्जी से करेंगे, अब पता चला जब अपनी बेटी इनके मुंह पर काले पड़ गई। अच्छा वो तुमने कॉल कर ली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या वाकई हानिया तुम इतनी बेचैनी से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी? हो तो ये आप हैं, कैसे कॉल कर लिया आज आपने? घर में सब कैसे? जिंदा लाशों जैसे, और कैसे हो सकते हैं हम लोग? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हानिया। आपने क्यों किया ऐसा? आपने एक बार भी मेरा नहीं सोचा? तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? आपके गुनाहों का कफारा मैं अदा कर रही हूँ। मेरा कॉलेज छूट गया, मुझ पर से माँ बाप का एतमाद उड़ गया, और हमें वो पुराना घर भी छोड़ना पड़ा। घर छोड़ना पड़ा मतलब? जी हाँ, पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी हो गई थी। अब्बू के पीछे लोग बातें बनाते थे कि इसकी बेटी भाग गई है, भगोड़े का बाप कहते थे, और ये सब कुछ आपके घर से भाग जाने की वजह से हुआ है। यकीन करो मेरा हानिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि लोग बेटियों से क्यों डरते हैं। सही कहती हो तुम हानिया, मेरी सजा का अमल तो मेरे घर से भागने से ही शुरू हो गया था। हानिया तो मेरा यकीन, मैं ऐसा हरगिज ना करती। अगर मुझे फूफो यकीन ना दिलाती कि वो मेरा साथ देंगी और बाद में सब कुछ संभाल लेंगी। क्या आपने ये सब कुछ फूफो के कहने पे किया था? हाँ हानिया, क्या उन्होंने घर में कुछ भी नहीं संभाला? वो तो मुझसे कह रही थी कि वो अब्बू से बात कर लेंगी। अभी आप मुझे शुरू से सारी बात बताएं, उस दिन हुआ क्या था? हम उस मोहल्ले में रहने के काबिल नहीं रहे, आप माफ कर दीजिए हमें। आपकी बीवी जो तूफान बदतमीजी मचा कर गई है, उसके बाद हमें वो घर छोड़ना पड़ा। कम से कम यहाँ तो हमें सुकून से रहने दें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है रमजान, गलत मत समझो, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया। माफ तो आप लोग हमें कर दें, जो चंद सांसें बची हैं उसे सुकून से पूरी कर लेने दें। यार रमजान मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ यार कि बुशरा ने आकर यहाँ इतना बड़ा झगड़ा किया, इसीलिए मैं काशी को लेकर आ गया हूँ। चाचू पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो आपकी गलतफहमी दूर करने आए हैं। और तुम चुप रहो, बात नहीं करना चाहता मैं तुमसे। तुम्हारी वजह से भाभी हमें इतनी बातें सुना कर गई हैं, और आप इसे साथ दिया है। काशी तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी चाचा से बात कर आता हूँ। जाओ ना। मैं चाय लेकर आती। नहीं नहीं रिफत भाभी आप बैठिए, चाय की जरूरत नहीं है, बैठेंगी तो अच्छा है क्योंकि लड़की की माँ का होना भी जरूरी है। अब किस मराकबे में चली गई हो तुम? बात तो पूरी किया करो, दुनिया की बोर तरीन औरत हो तुम। दूध वाला आया है बाहर। तो अम्मा बिठाओ ना उसे कमरे में, चाय वाय पूछो उससे, वो तो रोज ही आता, तुम भी अजीब बातें करती हो। पागल हो गया, दूध वाला पूरे महीने के पैसे लेने आया है अपने, 7,000 निकाल। अम्मा मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम्हारी बहू के पास पैसे हैं, इससे ले लो। मेरे पास कौन सा खजाना है? वो जो तूने बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा करके रखे उसमें से कुछ पैसे अम्मा को दे देना, दूध के लिए मौत पड़ जाएगी तुझे। मैंने कल ही अम्मा को 5,000 रुपए दिए। अरे बीबी ये तुम दोनों मियां बीबी के लल्ले तलल्ले में लग गए हैं, मैं कौन सा पान या निस्वार खाती हूँ, निकाल 7,000। वो मेरा पर्स पकड़ाएगा,
एक काम करो, एक काम करो, मैं पैसे खुद ही निकाल लेता हूँ। तुम लेट हो रही हो ना, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, निकल चल, जा ना। ये लो। एक मिनट, गिनती हूँ मैं। है जा, तैयार हो? निकाल लेना। लेकिन अम्मी, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कितनी बार समझाया, तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आ रही? मुझे उससे बात नहीं करनी। लेकिन अम्मी, मैं आपको सच बताकर ही रहूंगी। आप ही कह रही थी कि उन्होंने घर से भागने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हाँ, उसे तो कोई जिन उठाकर ले गया। अम्मी, आप ही कह रही थी कि वो निकाह वाले दिन अपनी किस्मत पर राजी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पप्पू ने आकर उनकी मदद का वादा किया और उन्हें पॉलर से भागने पर मजबूर कर दिया। खैरियत तो है बेटा, आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देख भाई, अगर हानिया के मुतल्लिक कोई बात करनी है तो फजूले मत करना। मुझे हानिया की नहीं, तानिया आपी के बारे में बात करनी है। उस भगोड़ी के मुतल्लिक क्या बात करनी है? क्योंकि मैं जान चुका हूं उनको भगाने के पीछे किसने उनको उकसाया, किसका हाथ था। क्या आप सच कह रही हैं? अपनी पसंद की शादी ना होने का बदला फूफो ने तानी आपी को घर से भगा कर लिया है? हाँ बेटा। अबू, मुझे तानी आपी ने खुद बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने फोन से कोशिश की पूरी कि नासिर भाई से फोन पे बात करें। जब ये नाकाम हुई तो उन्होंने उनको उकसाया कि तुम घर से निकल जाओ, पीछे मैं संभाल लूं। तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा बेटा या दुश्मन? इस तरह अपनी माँ के खिलाफ बोलते हैं? मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपने जो हरकत की है मैं उसके खिलाफ हूँ। आप जानती हैं मामू लोग किस कर्फ से गुजर रहे हैं। अरे बेटा, इसे क्या कह रहे हो? इसे एहसास होता तो ये अपने भाई से इतनी बड़ी दुश्मनी निकालती क्या? हाँ, मैं ही बुरी हूँ, सब मुझे ही कह दो। उन लड़कियों के करतूत नहीं देखते, खुशगुजार मैं हूँ। मेरे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया। अल्लाह करे तबाह बर्बाद हो। कोई सुकून, किसी खुशी की घड़ी देखना नसीब ना उन लोगों को। ए यार, ये बाइक की सवारी भी जो है ना, बड़ी घटिया सवारी है। और अगर बाइक फटीचर हो ना तो बिल्कुल तुम बात नहीं करो। अब तुम ये देखो, बाइक को घसीट घसीट कर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, कितना लाल हो गया है मेरे हाथ, देखो। बिल्कुल ठीक तो है तुम्हारे हाथ? लगाऊं तुम्हारी खोपड़ी के नीचे? कहां ठीक है, देख नहीं रही हो कितने सुर्ख हो गए हैं? मुशक्कत तो मुझे करनी पड़ी ना, तुम तो मटक मटक कर चल रही थी बस। तो नासिर, टायर में पंचर नहीं लगवाओगे तो ऐसा ही होगा ना? बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं आज के बाद इस बाइक में ना कोई पंचर लगवाऊंगा ना स्कूल जाऊंगा इस पे। तो फिर हम स्कूल कैसे जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे? पागल वागल तो नहीं होगी हो तुम? ये बसें वैगनें मुझे नहीं पसंद है, मैं कभी नहीं गया इनमें। तो फिर क्या उड़ के स्कूल जाएंगे? बस मुझे नहीं पता, शाम को किसी शोरूम में चलते हैं छोटी मोटी गाड़ी देखने। वो किस लिए? वहां जाकर बम फोड़ेंगे। पागल वागल तो नहीं हो तुम? अगर शोरूम पे जा रहे हैं तो छोटी मोटी गाड़ी देखेंगे ना वहां जाके। गाड़ी खरीदने की रकम कहां से आएगी? तुम्हारे अकाउंट से और कहां से, मैंने खुद तुम्हारे एटीएम की पर्ची चेक की है, अच्छा खासा माल तुमने जमा किया हुआ है। एक बात तो बताओ, तुम्हारे अब्बा तुमसे तनहा में से पैसे नहीं लेते थे क्या? नहीं, उन्होंने कभी भी मुझसे कोई रकम नहीं ली। वो कहते हैं कि जो मर्द अपनी बेटी और बीवी से पैसे लेते हैं वो मर्द ही नहीं होते। वैसे बड़ा ही अजीब इंसान है, लेकिन मेरा फायदा हो गया। अपना एटीएम निकालो और मार्केट चलते हैं गाड़ी लेने। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैंने इन सारे पैसों से गाड़ी खरीद ली तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। हम कोई नई मोटरबाइक ले लेते हैं। मरो नहीं तुम, तुम्हारे पास कोई पैसे खत्म नहीं होंगे। लूंगा तो गाड़ी लूंगा, भले माचिस की डिबिया जितनी क्यों ना हो। मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकालो तुम। भाई, ये मिठाई किस सिलसिले में लाए हैं? असफर की तरक्की हो गई है या मंगनी? अरे मैं और सलमा बहुत दिनों से तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का सोच रहे थे, बस हालात ही मुनासिब नहीं थे इसलिए अच्छा नहीं लगा आना। अरे भाई साहब, कलुफात को छोड़िए, खुलकर बताइए क्या बात है। वो मैं और सलमा
अपने बेटे असफर के लिए हानिया का रिश्ता मांगने आए हैं। उम्मीद है तुम हमें मायूस नहीं करोगे। अरे यार सोच क्या रहे हो, घर का बच्चा है, देखा भाला है। रशीद भाई असफर वाकई बहुत अच्छा बरखुरदार है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफें करता है। बात तरबियत की होती है रमजान। तुम्हारे तो हाथों में खेल कर बड़ा हुआ है असफर, तो फिर मैं हाँ समझूं? रशीद भाई असफर वाकई हीरा लड़का है, लेकिन मैं हानिया के लिए बड़े भाई साहब को हाँ कर चुका हूँ काशिफ के रिश्ते पर। क्या किया आपने, असफर के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया? तुम आपा की नेचर जानती हो फिर ये सवाल पूछ रही हो? लेकिन असफर तो सुलझा हुआ लड़का है ना, अपनी माँ से बिल्कुल जुदा। हाँ असफर शुरू से ही मुझे पसंद था, अगर ये बात नहीं हुई होती तो असफर ही मेरा पहला इंतखाब होता हानिया के लिए। कौन सी वाली बात? यही जो आपा ने तानिया के साथ किया। आपको कैसे पता? मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी और हानिया की। थैंक यू। अरे हाँ वो रात को तुम लोग सो गए थे इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका, एक खुशखबरी है तुम सबके लिए। खुशखबरी? अरे वाह, सुबह सुबह खुशखबरी कौन नहीं सुनना चाहेगा, जल्दी बताए ना क्या बात है। वो रमजान का फोन आया था रात में, उसने काशिफ के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं कहाँ से आ गया? नीचे उतरेंगी आप? ये क्या बदतमीजी है काशिफ, ये मेरे साथ। तुम गाड़ी से उतर रही हो या मैं चाचू को खुद फोन करके बताऊं कि तुम इस गरीब आदमी के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? नहीं मैं आ रही हूँ। गुड। हानिया और काशिफ, देख रही हैं आप ये क्या हो रहा है? देख रहे हैं भाभी, आप लोग तो अचानक से आ गए, कम से कम आने से पहले फोन तो कर देते। अगर हम बता कर आते तो क्या तुम रेड कारपेट बिछाती हमारे लिए, इस्तकबाल करती हमारा? अब हमारी ऐसी औकात भी नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी कि मैं कोई अच्छा सा बना लेती ना आप लोगों के लिए खाने में। अरे बस रहने दो भाई, हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खा कर आए, क्यों भाई? और मम्मा बताए ना हमने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? वही बात करने आए हैं। ये बताओ हानिया कहाँ है? वो तो अभी अभी कॉलेज से आई है, किचन में है, चाय बना रही थी, बुलाऊं से? नहीं नहीं रहने दो भाई, बहुत गर्मी हो रही है, हम चाय नहीं पीते, और फिर हम कौन सा हानिया से मिलने आए स्पेशली। अच्छा भाभी वो भाई साहब का फोन आया था, वो बता रहे थे कि आप आएंगी हानिया के नाप के कपड़ों के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बुलाऊं से। जी नहीं हम इस सिलसिले में नहीं आए। मम्मा आप बताती क्यों नहीं हमने वहाँ क्या देखा? हाँ वो ऐसा है रिफत के... गजब हो गया, गजब हो गया भाभी, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ सलमा, क्यों शोर मचा रही हो? आपा क्या हो गया? अरे असफर का एक्सीडेंट हो गया।
अरे दुश्मनों की नजर कहाँ गई मेरे बच्चे को? देखो नासिर प्लीज, मुझे एक बार ले चलो वहां पे। मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल बहुत तड़प रहा है उन लोगों से मिलने के लिए। मुझे ले चलो बीबी, वहां जाकर भी तो तूने अपने बाप की गोली खानी है ना, तो यहीं रह के तड़प के मर जा तू। देखो नासिर प्लीज, मुझे वहां ले चलो। तुम जो कहो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम्हें वो घड़ी चाहिए थी ना, मैं तुम्हें लेके दूंगी। तुम बेशक मुझे मेरी गली के नुक्कड़ पे छोड़ देना, मैं इन लोगों से मिलके वापस आ जाऊंगी। देख ले, तू शेर के मुंह में हाथ डालने जा रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तू बेशक मां छोड़ के घर आ जाना। अगर मैं जिंदा बची तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाई, तुम भी क्या याद करोगी, कर लेते हैं ऐसा। लेकिन एक शर्त है मेरी, पहले हम बाजार जाएंगे, वहां से हम घड़ी खरीदेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी गली में तुम्हें उतारूंगा, फिर कर लेना मिलना जुलना तुम उनसे। हानिया, काश के मैंने ये कदम ना उठाया होता। काश मैं फुप्पो की बातों में ना आई होती। वाकई फुप्पो ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया है। आखिर उन्होंने अपने 20 साल पहले का बदला ले ही लिया। कैसा बदला? अम्मी बता रही थी कि फुप्पो किसी को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब्बू इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और अब्बू ने फुप्पो की मर्जी के बगैर उनकी शादी रशीद खालू से करवा दी। बस उसी बात का बदला अब्बू को माशरे में बेइज्जत करवा कर लिया। उफ यार, क्या घड़ी है! इतनी कीमती घड़ी मेरी कलाई के साथ बंधी हुई देख कर ना कल ऑफिस के सारे कोलीग्स जल जाएंगे। तानिया कहाँ पे रह गई है? 2 मिनट का कहके गई थी मुझे। कहीं मेरे उस हिटलर सुसर ने उसके खून से अपनी प्यास तो नहीं बुझा ली, और मैं यहाँ खड़े हुए इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ क्यों रुक गए? अंदर चले ना। आनिया, आनिया! जी अबू। कौन आया था हमारे घर मौजूदगी में यहाँ? नहीं तो अबू। झूठ मत बोलो, मैंने खुद उस नासिर को गली के नुक्कड़ पे खड़े देखा है। तानिया आई थी ना? जवाब दो, तानिया आई थी? हानिया, हानिया! जी अम्मी, आ रही हूँ। आपने बुलाया, कहीं जा रही हूँ क्या? हाँ, वो तुम्हारे अब्बू की ना तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो डॉक्टर के लेके जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। क्यों, क्या हुआ है अब्बू को? वो रात तानिया के आने का सुन के ना दिल को लगा बैठे, बस सोचते सोचते लेटे तो बुखार से ही उठे। अब्बू ने उस बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा तो कुछ नहीं, बस चुपचाप लेटे रहे। तुमने तो मुझे बातों में लगा दिया, वो बाहर बैठे हुए ना मेरा इंतजार कर रहे हैं टैक्सी में। अच्छा सुनो, 2-4 घंटे लग जाएंगे, घर का ख्याल रखना। जा रही हूँ मैं। हानिया, तुम यहाँ बैठो। तुम यहाँ कैसे आई? वो मैं अपने फ्रेंड की छत से आई हूँ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम डर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं नहीं डर रहा हूँ। मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी इज्जत की, और कोई नहीं, पागल लड़की। हाँ, इसलिए तुमने मुझे घर से भगाने की बात की थी, और मेरे इनकार करने पे अब्बू से बात करने की धमकी दी। यार वो सब तो मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं सचमुच ऐसे थोड़ी करता यार। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मास्टर में तुम्हारी इज्जत कटे। इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर धमकियां क्यों देते हो?
अरे सही नसीब, बड़े बड़े लोग आए आज तो, कैसे आ गए गरीब खाने पे। आप आपको बताया तो था ना कल रात को कि हमने आना था। चलो खैर, मेरी खुश नसीबी, लेकिन रमजान तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई है। बड़ी बहन को सलाम तक नहीं किया इसने। अरे नहीं आपा, मुझे कल रात से बुखार है। अरे तो भैया आराम करते ना घर पर, असर को बाद में देख लेते, चेहरा तो देखो कैसा सुर्ख हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, असवर अब कैसा है, कहाँ है? अब तो ठीक है, अपने कमरे में आओ, मैं लेके चलती। सही है, अम्मी शायद किचन में, तुम जा सकती हो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ कोई फजूल बात या हरकत मत करना। निकलो, कोई आ जाएगा। ठीक है। आ हानिया, तुम कब आई? पूछो इससे, क्या करने गई थी अश्वर के कमरे में? अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ उसे। आप तो हौसला रखे ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है। दोनों लड़कियां आवारा पैदा की है तुमने। अबू प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर ऐसी वैसी ना होती तो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर अश्वर से मिलने क्यों जाती? अबू, मैं तो सिर्फ उसकी तबीयत पूछने गई थी। तुम्हें क्या उसकी तबीयत से, वो मरे या जिए? तुम गई क्यों वहां? हम तो तुम्हें घर छोड़कर गए थे ना। सॉरी अबू, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तुमने एक बार फिर मेरे एतमाद को तोड़ा है, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मत किया करे इतना गुस्सा, सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती आप में। क्या हो गया अगर ये असफर की तबीयत पूछने चली गई? कजन है वो इसका। कजन से मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपा की बातें और तानिया का घर से भाग जाना, इससे कुछ भी नहीं सीखा इसने, उल्टा उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। अब मेरा यकीन करे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैंने आपसे वादा किया है ना। प्लीज अबू, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अबू। दोनों बहनों के बारे में मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम ही अपने बूढ़े बाप का ख्याल कर लो। अबू, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ, मैं आपको कभी दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज अबू, मुझसे बदगुमान मत हो। ठीक है, अब मैं वही करूंगा जो तुम्हारे और हम सब के लिए बेहतर होगा। क्या क्या करने जा रहे हैं आप? तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है, वो भी इस हालत में, इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। मैं ठीक हूँ, तुम चलो मेरे साथ भाई साहब के पास। मैं हानिया के निकाह की डेट फिक्स कर देना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे बुशरा, मामा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चले। अरे भाई, मुझे तो भाभी की तबीयत बहुत खराब लग रही है, लग रहा है हार्ट अटैक आ रहा है, इनको अस्पताल लेकर जाएं जल्दी। हाँ रुखसती तो करवा लेना। अरे भाई छोड़ो रुखसती को, भाभी की जिंदगी की अहमियत है, रुखसती की नहीं तो होती रहेगी, अस्पताल लेकर जाएं। प्लीज पापा, मामा को जल्दी हॉस्पिटल ले चले, मामा को कुछ ना हो जाए। हेलो भाभी तो आगे भी नहीं खुल रही, बहुत तबीयत खराब हो रही है, भाई साहब अस्पताल लेकर चले। अरे चलो जल्दी। ठीक है काशिफ, तुम अपनी माँ को संभालो, मैं गाड़ी निकालूंगा। हाँ चलो चलो चलो, अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो लेके चलो आज। मामा, पापा, मामा को होश आ गया।
अरे तुम तो गाड़ी ध्यान से चलाओ यार। अरे बुशरा तुम क्यों उठ के बैठ गई हो? अरे लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं हम। नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वापस घर चलो। काशी घर मोड़ो ना गाड़ी, वापस करो। क्या कह रही हो भाई, तुम बेहोश हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं हम, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भाई भाई मैंने कहा ना कि गाड़ी वापस मोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे आपके सामने हूँ, ठीक हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मम्मा कहीं ऐसा ना हो फिर से। भाई हॉस्पिटल लेके जाने दो, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर रात में तबीयत खराब हो गई इनकी तो फिर रात में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मुझे वहशत होती है हॉस्पिटल में। लेकिन मम्मा कहीं आप फिर से ना। पापा मम्मा ठीक कह रही है, ऐसा ना हॉस्पिटल ले जाके इनकी और तबीयत खराब हो जाए और बीमार पड़ जाए। हम ऐसा करेंगे कल ना डॉक्टर को बुला के इनको दिखा देंगे फिर से। चले घर चलते हैं। बेटा ये बेहोश हो गई थी, और बेहोश होना कोई मामूली बात नहीं होती भाई। अरे भाई वो इतना छोटा घर था, इतने मेहमान भरे हुए थे, मुझे सांस नहीं ली जा रही थी, वहां पर मामूली सा चक्कर आ गया था। और क्या हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। एक मामूली सा चक्कर आया और तुमने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया कि रुखसती मुलतवी करनी पड़ी। अरे तो ऐसी कौन सी वजीर आजम की बेटी पे आ रहे थे आप, जिसकी रुखसती रुकने का इतना अफसोस हो रहा है आपको? तुम भी एक बेटी की माँ हो बुशरा, बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रही। खैर अब मैं रमजान के पास कल जाता हूँ, देखता हूँ। नहीं नहीं इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी तबीयत तो ठीक हो जाने दे, ले आएंगे आपकी भतीजी को रुखसत करके भी। सर सर आप 2 घंटे से कहाँ थे? मैं तो किसी काम से गया था, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सर कैश रूम की चाबी किसके पास है? सर मेरे पास ही है, लेकिन तुम इतने परेशान होके क्यों पूछ रहे हो भाई? सर फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या कह रहे हो, कैसी मुश्किल? सर आपकी गैर मौजूदगी में कैश रूम से 20 लाख रुपए गायब हो गए हैं। सबका शक आप पे ही है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मैं खुद बॉस से जाके बात करता हूँ। रुके, बॉस बहुत गुस्से में है, सबको बातें सुना रहे हैं। अभी तक आप पे किसी की नजर नहीं पड़ी है, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से भाग जाएं। तुम्हारा दिमाग सही है? मैं कोई चोर हूँ जो यहाँ से भाग जाऊंगा? आप चोर नहीं है मगर बना दिए जाएंगे। अपने वकील से बात कीजिए, फिर बॉस से बात कीजिएगा, वरना एक बार अगर जेल चले गए तो बस फिर जेल। तुम्हारा दिमाग सही है, पागल तो नहीं हो गए तुम? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आप दोनों में असफर कौन है? मैं आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। अगर क्यों? गबन के इल्जाम में। देखिए इंस्पेक्टर मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखिए आपको जो कुछ कहना है थाने चल के कहिएगा, बेहतर यही होगा आप शराफत से हमारे साथ थाने चलिए। सुनो ये फाइल संभालो, चलिए। दिमाग तो ठीक है तेरा, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है तू? ये तो आप अपने बेटे से पूछे। क्या बकवास कर रही हो तुम, दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? हाँ हाँ मेरा बेटा क्यों अपने घर में चोरी करेगा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम लोग ही ड्रामेबाज हो, भगोड़ी कहेगी। अच्छा अच्छा तो ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि ये चोरी नासिर ने की है, तो फिर क्या सजा देंगे आप चोर को? आवाज नीचे करो अपनी। और तुम साबित कैसे करोगी मैंने चोरी की है? चलो ये तो बात की बात है, अब अपनी खैर मनाओ। और अगर ये बात साबित नहीं हुई तो याद रखना तानिया, मैं और नासिर मिलके तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, सबूत पेश कर। अरे अम्मा छोड़ो इसे, ये तो पागल है, हमें क्या जरूरत है इसकी बात को सीरियस लेने की? आओ तू चुप कर जा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पे इल्जाम लगाने की? सबूत निकाल। क्या है ये? ये मेरा जेवर नहीं तो और क्या है जो दिन रात
मैंने स्कूल में पढ़ा पढ़ा के मेहनत करके कमेडियन डाल डाल के इस जेवर बनाया, ये किसका जेवर है बोले? इल्जाम लगाती हो मुझ पे? बस अब नहीं। इसका तो पक्का इरादा था आपके लड़के को फंसवाने का। वो तो शुक्र करें कि इसने जल्दी सब कुछ उगल दिया, वरना कल सुबह इसके साथ आपके बेटे का भी चालान दर्ज हो जाता। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बड़ा साथ दिया, वरना हमारे बेटे को जेल हो जाती। आपका बच्चा तो बेकसूर है, ये अदालत से वैसे भी रहा हो जाता, और वैसे भी हम तो बंदे की शक्ल देख के बता देते हैं कि कौन शरीफ है और कौन मुजरिम। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, क्या हम असफर को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें जब भी पुलिस बुलाए बयान देने के लिए इन्हें थाने आना होगा। चलो बेटा। एक सेकंड रुके। मुझे एक बात बताओ, तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, इनफैक्ट जब जब तुम मुश्किल में पड़े हो मैंने तुम्हारी मदद की है। तुमने मेरे साथ ही ऐसा किया? मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था इसलिए आपका नाम ले लिया। अगर माफी मांगनी है ना तो उस खुदा से मांगो। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खुदा का डर होता ना तो आज तुम यहां नहीं होते। चलिए। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्र। ले जाओ उसको, लॉकअप करो। देखो बरखुरदार, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम मुनासिब समझो तो। हाँ बताए ना भाई साहब। मुझे अकाउंट्स मैनेजर की जरूरत है, और बेटा तुमसे बेहतर और एतमाद वाला लड़का मुझे नहीं मिलेगा। अब तुम अगर मुनासिब समझो तो कल से मेरी फैक्ट्री ज्वाइन कर लो। लेकिन मामू। हाँ बिल्कुल आ जाएगा ये कल से आपकी फैक्ट्री, अच्छी बात है ना भाई, गैरों के यहाँ भी तो काम करके यही तनख्वाह लेनी है ना, तो फिर अपनों के क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, देखो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा और तसल्ली भी रहेगी कि भाई मेरा बच्चा सब संभाल रहा है। हानिया तुम्हारी रुखसती है आज, और मुझे मुझे बुलाना तो दूर की बात, किसी ने बताना तक जरूरी भी नहीं समझा। जनाजे की दावत किसको दी जाती? जो आपको बुलाया जाता। अल्लाह ना करे हानी, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे कि तुम्हारा मेरा जैसे नसीब हो। अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत खुशियां दे, बहुत अच्छा नसीब हो तुम्हारा। ये खुशी क्या होती है? मैं तो भूल ही चुकी हूँ। हानिया मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बताओ मुझे, बताओ क्या बात है? प्लीज आप परेशान मत, वैसे ही मैं आपको बहुत याद कर रही थी। काश आप यहां होती तो कम से कम हम दोनों बहनें गले लगकर रो ही लेती। कितनी बदनसीब हूं मैं तो अपनों से कट के ही रह गई, ना किसी की खुशी में शरीक हो सकती हूँ और ना गम में किसी का गम बांट सकती हूँ। प्लीज आप ही, आप रोए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं हानिया, मेरी तो किस्मत हाल माजी सब कुछ खराब हो चुका है,
काश कि मैं भी तुम्हारी तरह घर से इज्जत से रुखसत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ खराब हो गया। Welcome home, Mrs. Kashif. कैसा फील कर रही हो? ठीक। झूठ नहीं, मैं सच सुनना चाहता हूं। You hate me ना? मजबूरी में शादी की है ना मुझसे? वरना तो तुम आज भी उस असफर से मोहब्बत करती हो? कहो ना, कहती क्यों नहीं हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? नफरत है मुझे तुम जैसी लड़कियों से। ये शादी किसी और से करती हैं और मोहब्बत किसी और से। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अभी सब समझ आ जाएगा तुम्हें मेरी मासूम गुड़िया। मैं तुम्हें तलाक बस निकल गई गुब्बारे से हवा। अभी तो मैंने तलाक का पूरा लफ्ज भी अदा नहीं किया और अपनी शक्ल देखो, तुम्हारे तो रंग उड़ गए। ये मजाक ही था ना? लेकिन सीरियस हो सकता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कब किस बात पे मेरा दिमाग फिर जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जो चीजें और जो लोग मुझे पसंद नहीं है उनसे तुम्हें कम से कम 100 कोस दूर रहना पड़ेगा। अभी से चकरा गई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूं। वैसे तो जो चीजें और जो लोग मुझे पसंद नहीं है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है तुम्हारे वालिदैन का। मेरे अम्मी अब्बू? तुम्हारे अम्मी अब्बू। देखो तुम उनसे जितना कम मिलोगी ना तुम्हारे यहां पे रहने की मुद्दत उतनी ही बढ़ती रहेगी। लेकिन मैं हानिया, चुपचाप मेरी बात सुनो। ये लेकिन अगर मगर ये सब मुझे पसंद नहीं है। इसे जो भी कहूं गौर से सुनो। तुम्हें पता है उस लिस्ट में दूसरा नाम किसका है? तुम्हारे यार असफर का। अगर मुझे कभी भी इस बात का शक हुआ कि तुमने उससे कोई भी राब्ता रखा तो मैं तुम्हें तलाक देकर यहां से चलता करूंगा। समझ गई तुम? समझ गई? समझ आई तुम्हें?
good. ओफो, अंधी हो गई हो क्या? अभी गरम गरम चाय गिर जाती उसके ऊपर। नहीं नहीं मामानी, वो एक्चुअली इसने मुझे चाय दे दी थी, मेरा ही हाथ थोड़ा सा हिल गया। ध्यान से काम किया करो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हो जाता है ऐसा। हाँ तो सलमा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि अच्छा हुआ कि तुम खुद चली आई, वरना मुझे आना पड़ता। है भाई साहब, दिल तो मेरा बहुत दुखी था, लेकिन नौशी का सुना ना तो रह नहीं पाई। ये तो जान है मेरी, जान अटकी रहती है मेरी इसमें। एक तो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, मुझे बुशरा ने तुमसे टेलीफोन पे बात की थी उस सिलसिले में। भाई साहब, भाभी तो हमेशा ही इस तरीके से करती हैं, हालांकि मैं तो इनका कितना ख्याल करती हूँ। अब मैंने माजरत कर ली है ना तुमसे, ठीक है। असल में जब उसका बीपी हाई होता है ना, तो उसे पता नहीं होता वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रही, बड़े हैं, जूते मार लें, मैं उफ नहीं करूंगी। अच्छा अब पुरानी बातें छोड़ो, अपना दिल साफ करो सब लोग। मैंने एक अहम फैसला किया। क्या फैसला किया भाई साहब, जल्दी सुनाए ना। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मिलकर असफर की बारात इसी जुम्मे को मेरे घर ले आओ। भाई साहब, आप सच कह रहे हैं ना? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा है? ओ भाई साहब, आपने तो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर दे दी है। अच्छा तुम जाओ घर, शादी की तैयारियां। भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, मेरे दिल में तो असफी और नौशी को लेकर बड़े अरमान है, मैं तो सारे पूरे करूंगी। और सेठ, दिन ब दिन तुम्हारा मुतालबा बढ़ता जा रहा है, मुझे खुद आना पड़ा तुम्हारे घर। हाँ सेठ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। बहुत कमीनीशे हो तुम, मेरी अगर मजबूरी नहीं होती तुम जैसे शख्स को मैं मुंह नहीं लगाता। सोच लो, ये लो 2 महीने का खर्चा पानी है, बाकी अगर तुमने मुझसे बात करना भी हुआ तो 2 महीने बाद कॉल करना। सोच लो सेठ, मेरे पास इस माल के और भी बहुत खरीदार हैं, ऐसा ना हो कि मेरी नीयत बदल जाए। मेरा माल बेचोगे तुम? इतना हिम्मत वाली, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। क्या हो गया सेठ? कौन है तुम? और मेरे शौहर का गिरेबान क्यों पकड़ा हुआ है? अरे यार, मेरा बचपन का दोस्त है, दुबई से आया है, हमारे इधर मैंने ऐसा मजाक चलता रहता है, तुमने डरा दिया ना अपनी भाभी को, अब बताओ। हाँ हाँ ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा बचपन का ही दोस्त है और हमारे बीच मजाक चलता रहता है, आप परेशान मत हो। लाओ तुम मुझे शरबत दो, तुम जाओ अंदर जाओ, जाओ। गरीब बेटी तानिया, तुम सो जाओ, मैं बच्ची के पास हूं। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, मम्मा को तंग कर रही थी। मम्मा को तंग नहीं करो, अभी मैं दादू को लेके आता हूं, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है?
नहीं अम्मा, तू तो घर पे कपड़े लेने गई, वहीं रह गई। तुझे पता है बच्ची हुई है, अगर तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। मुझे माफ कर देना, आते आते देर हो गई। अब घर में तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, इसीलिए तुम लोगों के साथ मैं अस्पताल नहीं आ सकी। अम्मा कोई बात नहीं, ये नासिर था ना मेरे पास। वैसे मेरे बच्चे ने तेरा और बच्ची का बहुत ख्याल किया है। अरे नासिर कहाँ है मेरी पोती, जल्दी से लेकर आ ताकि मैं उसको शहद चटाऊं। अरे अम्मा तू टेंशन क्यों लेती है, उसका नाम भी तू ही रखेगी, उसे शहद भी तू ही चटाएगी, क्यों तानिया? हाँ नासिर तुम ठीक कह रहे हो, मुझे मेरी बच्ची तो ला के दो, मैंने तो उसे सही तरह देखा भी नहीं अभी। हाँ हाँ तानिया लेके आता हूँ, नर्स लेगी होगी नर्सरी में। जा जल्दी से लेकर आना। और तू बता सब ठीक ठाक हो गया? ये कितने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा हो गया, और ऊपर से इनकम वक्तों ने कह दिया कि 3 महीने तक तू बिस्तर पे पड़ी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जब बड़े अस्पताल में आपका इलाज होता है तो ये लोग दवाइयाँ भी अच्छी देते हैं। आप देखना मैं 3-4 दिन में सारे काम करने लग जाऊंगी। हाँ सारा काम तो अब तुझे ही करना है, देख नासिर ने कितना महंगा अस्पताल ढूंढा है, तो लाजमी है इलाज भी अच्छा होगा उनका। मैंने तो नासिर से कहा पिता कि किसी सरकारी अस्पताल में ले चले मुझे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब पता नहीं सारा खर्चा कैसे पूरा होगा। खर्चे से ज्यादा नासिर को तेरी और बच्ची की फिक्र है, अब सरकारी अस्पताल में इस तरह तो तेरा इलाज नहीं होता और कोई ख्याल भी नहीं रखता। अम्मा 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 क्या हुआ? बच्ची लेने गया था, क्यों नहीं लेकर आया बच्ची को? अम्मा वो बच्ची, अरे बच्ची बच्ची क्या बोल रहा है, कहाँ रह गई बच्ची? अम्मा बच्ची नहीं मिल रही है। कहाँ गई बच्ची? तो मुझे यहाँ घुटन हो रही है, प्लीज आप थोड़ा रश तो कम करें। अच्छा बाबा चलो लड़कियों अब ना बस देख ली दुल्हन, अब सुबह आना है ना, ठीक है? चलो चलो शाबाश, उठो शाबाश, सलाम कहना अम्मी को। अच्छा गॉड कितनी जाहिल लड़कियां थी, कल से मैंने अपने रूम में नहीं देखना चाहती। एक ही दिन की तो बात है, दुल्हन देखने आई है वो, अब इस तरह मना करना तो बुरा लगता है ना। Whatever. मुझे ये रोज रोज का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और ये असफर कहाँ है, अब तक रूम में क्यों नहीं आया? असफर अपने दोस्तों में है, दोस्तों ने घेर के रखा हुआ उसे। मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास मसले। आप बोले ना उसको जाए, अपने रूम में जाए, कब से वेट कर रही हूँ मैं। हाँ भेजती हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कुछ खाना पीना है तो बोलो। नो थैंक्स, मुझे सिर्फ असफर चाहिए। अच्छा भेजते कौन कहाँ बस गई मैं। तो बातों बातों में है मियाँ जी, ये नौशी तो बड़े खुले जहन की है, मुझसे पूछ रही है असफर कहाँ है। तो इसमें क्या बात है, उसका शौहर है, अगर पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। हाय खुदा को माने, पहले दिन की दुल्हन मुंह फाड़ के मुझसे कह रही है कि असफर को मेरे कमरे में भेजे। अरे वो उसका शौहर है, भेज दो उसे कमरे में। तो भेज दिए है, लेकिन अपनी दवाई लेने के लिए। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपकी बहू की बातें सुन सुन के। ओहो भाई उसे कमरे में भेजने की बजाय तुमने उसे मेडिकल स्टोर पर भेज दिया। हाँ ना, ताकि मैडम को पता लगे कि सास पे हुक्म चलाने का नतीजा क्या होता है। बढ़िया, ये सर को मेरे कमरे में भेजिए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेगी, तुम देखना। बस बेटा इस तरह रो रो के अपनी तबीयत खराब मत करो। अम्मी मेरे तो समझ से बाहर है कि किसने दुश्मनी की होगी हमसे, पता नहीं कौन है जो मेरी बच्ची को उठा के भाग गया। खुदा गारत करेगा इंशाल्लाह, देखना उस कमीने को, ऐसा जालिम है जिसने माँ के कलेजे को हाथ डाला ना, अल्लाह पाक उसे कभी माफ नहीं करेंगे, तुम देखना।
इस वक्त हमारी परी को हमारी दुआओं की जरूरत है। मम्मी मैंने तो सिर्फ उसकी एक झलक ही देखी थी। मैं तरस रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ उसको अपनी गोदी में लेने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, उसे देखने के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही। वैसे पुलिस क्या कहती है, कोई सुराग मिला? नहीं हानिया, मैं क्या बताऊं पुलिस को। पुलिस मुझसे पूछ रही कि हमें किस पे शक है, लेकिन लेकिन मैं किसका नाम लूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सबर कर मेरे बच्चे, सबर कर, फिक्र ना कर, इंशाल्लाह वो जरूर तुझे मिलेगी। मैं लेकिन वो कैसी होगी, किस हाल में होगी? अगर उसे भूख लगती होगी तो वो उसे खाना कौन खिलाता होगा? वो रोती होगी तो उसको उसे चुप कौन कराता होगा? अम्मी माफ कर देना सासू माँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि अचानक आना पड़ा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो बाहर आ ही रहे थे, क्या बात है? वो अभी थाने से कॉल आई थी। क्या, मेरी परी का पता चल गया? हाँ वो अम्मी, अम्मी मुझे मेरी परी मिल गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी परी। शुक्र अल्लाह का। नासिर कहाँ से मिली वो, मुझे प्लीज जल्दी से ले चलो उसके पास, मुझे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा। अरे नासिर इसको पूरी बात बता, ये तो कुछ और समझ रही है। पूरी बात? हाँ वो तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया पूरी बात बताने का। क्या हुआ? वो पुलिस को कूड़े के ढेर से छोटी बच्ची की लाश मिली है, तो शनाख्त के लिए मुझे बुलाया था। आप ही संभाले खुद को। आप ही अरे भाई ये दम बाद में कर दीजिएगा, पहले ना मेरे जोड़ा प्रेस कर दे, मुझे ना पैरों पर पॉलर भी जाना है। क्या मैं स्त्री करूं? हाँ तो और कौन करेगा? वैसे भी यहाँ कौन सा मेड है, और आप तो फारे ही खड़ी हैं। क्या हो गया नौशाबा? ये काम मम्मी नहीं करेंगी। तो फिर और कौन करेगा? और वैसे भी मेरे कपड़े प्रेस करने से इनकी शान में कौन सा कमी आ जाएगी? ये काम मम्मी के करने के नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तो फिर कौन करेगा? अम्मी नहीं कर सकती तो तुम कर दो। लेकिन मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। छोड़ मैं कर देता। मुझे पहले ही पता था लालजी इतना पैसा ले चुका है तू पिछले 9 महीने में मुझसे, और अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तूने भी तो मेरी अनमोल चीज रखी हुई है ना, इतनी सस्ती तो नहीं है ना। एक फूटी खोड़ी नहीं मिलेगी तुझे, कोई पैसा वैसा नहीं मेरे पास। लेकिन मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है मेरी बच्ची क्या हुआ, और तुम्हारे घर का एड्रेस भी है। सीधा पुलिस को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, और फिर बच्ची जब वहां से बरामद होगी ना तो खुद हिसाब लगा ले। तुम कितने में बेचा मेरी बच्ची को? हाँ अरे किसको बेच के आए हो मेरी बच्ची को, बोलो, जवाब दो मुझे। हाँ दे दिया मैंने, मेरी औलाद थी, मैं रखूं या मारूं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? जाओ अपना काम करो। नासिर
अरे कैसा बाप है तू, तूने अपनी बच्ची को बेच दिया। तूने किसको बेचा मेरी बच्ची को? इतनी मासूम सी बच्ची को एक बाप बेच आया। नासिर, मेरी बच्ची मुझे वापस लाके दे। नासिर, मेरी बच्ची मुझे वापस लाके दे। एक बच्ची को बेच आया। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने तुमसे? सुन लिया है, और कुछ कहना है? मेरे बाप की हिमायत हासिल करके ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। दो मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा मैं। बस बहुत हो गया है काशिफ, आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? तुम जैसे इंसान पे सिर्फ गुस्सा ही किया जा सकता है, क्योंकि प्यार के काबिल तो तुम हो नहीं। मुझे तुमसे कोई बहस ही नहीं करनी है। अच्छा, पर मेरा तो इस लड़ाई का फुल मूड है, हमेशा बच जाती, आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा खत्म ही नहीं हो रही है? दिन रात मुझे जिल्लत की मौत देते रहते हो। क्योंकि तुम इसी काबिल हो। तुम जैसी हल्के किरदार की लड़कियां होती है ना, वो ये डिजर्व करती। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें तलाक लेने का। चलो ठीक है, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब तो तुम कह चुकी हो। पर हाँ, एक और चीज, तुम ये मत समझना कि तुम तलाक लेकर आजाद हो जाओगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और यहां से जाने भी नहीं दूंगा। आइडिया बहुत अच्छा दिया तुमने, अब तक तो मुझे कर देना चाहिए था। काशिफ, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं काशिफ खलील अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी सी बीवी हानिया रमजान को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नासिर, आज इसने इतना डरा किया, मैं इतना शर्मिंदा हुई ना उस मोहल्लेदारनी के सामने कि मैं तुझे बता नहीं सकती। माँ, इसका जुनून तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसको काबू करना ना मुश्किल हो रहा है। वैसे नासिर, ये दवाई बहुत अच्छी है, देख कैसे सो रही है सुन पट्टी, पूरे घर में सुकून हो गया है। नासिर, इसको यही दवाई दे दिया कर, इसी तरह मरी पड़ी रहेगी। भाई भाई, वो आपने मेरी गुड़िया को देखा है? सुबह स्कूल गई थी, अभी तक वापस ही नहीं आई। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, बिल्कुल इस जैसी दिखती है। अगर नजर आए तो मुझे बताओगे? तुम्हारी बीवी ने तो बदतमीजी की हद ही कर दी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, हर बात का उल्टा जवाब देती है। क्या मसला है उसके साथ, क्यों ऐसा करती है वो मेरे साथ? तो क्या करूं, तलाक दे दूं? अरे ये मैंने कब कहा है बेटा, लेकिन कम से कम उसको समझाओ तो सही कि मेरे साथ सलूक तो ठीक करे ना। सारा दिन उसका काम करती फिरती हूँ। किस लिए काम करती है उसके? मैंने कितनी बार आपको समझाया कि उसका कोई काम मत किया करे, उसकी आदत बनाए कि वो खुद अपना काम करे। हो गई शुरू आप और आपकी घटिया हरकतें। तुम्हारा दिमाग सही है? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ, जो हर वक्त मीठी छुरी बंदे का नाटक करती रहती है।
कैसी माँ आप? बेटा घर आया नहीं कि आपने उसके कान भरने शुरू कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शट अप। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? दो टके के घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हाउ डे यू। बिहेव योरसेल्फ। मैं बता रहा हूं, अगर तुमने अब मुझ पर हाथ उठाया ना तो ये हाथ तुम्हारे जिस्म से निकाल के जमीन पर फेंक दूंगा मैं। ये सब आपने ही करवाया ना? खुश हो गई होंगी अब आप, है ना? मैंने क्या किया बेटा? अरे बंद करें अपना ये ड्रामा, बहुत बड़ी फसादन है, आप जानती हूँ मैं। बस कर दो नौशाबा, अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मामा ठीक कहती थी, तुम जैसे दो टके के घटिया लोग इज्जत के काबिल ही नहीं होते। और मैंने तो तुमसे शादी कर ली। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब करने के पीछे मुमानी जान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन एक बात अपनी कुत्थी में बांध लो तुम, कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नरमी से भी पेश आऊंगा। तो तब होगा ना जब मैं यहाँ रहूंगी। मैं जा रही हूँ इस जहन्नुम से। अरे क्या मसला है भाई, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? आप तो चुप ही रहे, ये सारा तमाशा आपका खड़ा किया हुआ है। बस बहुत हो गई बकवास, तुम्हें घर छोड़कर जाना है ना? चलो मैं खुद तुम्हें इस घर से यहाँ से लेके जाऊंगा और मामू को बताता हूँ तुम्हारी हरकत है। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। अरे अरे छोड़ो, मैं मामू को बता कर ही आऊंगा। क्यों रो रही है मेरी बेटी? क्या किया तुमने इसके साथ? मामा पापा, इसने मारा है मुझे अपनी माँ के कहने पे। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरी बेटी पे हाथ उठाया है तुमने? एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे बात करने दो। तुम बताओ उस पर, ये नौशाबा ठीक कह रही है क्या? इससे क्या पूछ रहे हैं, नौशी बता तो रही है आपको। मैं और क्या करता मामू, इसने मुझे खुद मजबूर किया कि मैं इस पे हाथ उठाऊं। जब से मेरी इससे शादी हुई, इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी मां की और मेरी बेइज्जती की है बस। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा हाथ उठ गया। कि मैं क्या सुन रहा हूं नौशी, तुम ये सब कुछ करती है अपने ससुराल में? आप नौशी को क्यों डांट रहे हैं? अस्पर के कान खींचे ना, क्या सोचकर इसने हमारी बेटी पे हाथ उठाया? दिखा दी ना अपनी घटिया औकात चंद दिन में। मुमानी अब आप ज्यादती कर रही हैं। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा जो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी मां की बेइज्जती करती रहती है। हाँ करूंगी बदतमीजी, जो जिस लायक होता है ना उससे वैसे ही सुलूक किया जाता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कि मेरे सामने अपने शौहर से इस तरह बात कर रही है, मेरा अपना खुद दिल चाह रहा है कि इसके थप्पड़ मारूं। हद हो गई है वैसे आपसे। अरे कभी तो अपनी औलाद को अच्छा कह दिया करे, इसे ही डांटे जा रहे हैं आप तो। तुम चुप करो, चुप करो। तुम्हारी दीवी शह है जो उसने ससुराल में जाके उस ससुराल को अखाड़ा बना दिया। और नौशी तुम तमीज और सुकून से अपने ससुराल में रहो, आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूं तुम्हारी, समझी? जाओ असफर के साथ जाओ। नो वे पापा, मैं कहीं नहीं जा रही और अब मैं यहीं रहूंगी। क्या हुआ, डर क्यों रही है? कुछ कहा है क्या मैंने तुम्हें? मुझसे दूर रहो काशिप। और अगर ना रहूं तो क्या कर लोगी तुम?
मैं खुदा का वास्ता, इतना जलील मत करो मुझे। तुम मुझे तलाक दे चुके, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। घर जाने दो ताकि तुम इद्दत पूरी होने के बाद जाकर उस असफर के नाम की माला गले में डाल लो। नहीं हानिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। खुदा के कहर से डरो काशिफ, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सब गुनाह है। कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे खुदा के कहर का लेक्चर मत दिया करो, मुझे इससे कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, हमारा हर रिश्ता खत्म हो चुका है। आराम से बात करो, नुकसान उठाओगी। आराम से बात किया करो। नींद में डर गई एक्चुअली, इसलिए भागकर यहाँ आ गई। अरे बेटा कुल पढ़ के सोया करो, फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। जी ठीक कह रहे हैं डैड, आओ मैं तुम्हें दम कर दूं, चलें। अरे जाओ बीबी जाओ, अपने कमरे में जाओ अपने शौहर के साथ। क्या इस वक्त इतनी रात को भगदड़ मचाई हुई है सारे घर में, हमने भी आराम करना है, सोने दो हमें। काशिफ जाओ लेकर जाओ इसे। मैं नहीं जाऊंगी, तहबू मैं नहीं जाऊंगी कमरे। अब ये कौन सा ड्रामा है नया है, इसके साथ नहीं जाना तो फिर किसके साथ जाओगी? मामा अभी डरी हुई है जरा, वो अभी से कुछ मत कहें। हानिया चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊं। काशिफ ने मुझे तलाक दे दी। तलाक दी है तूने? तलाक दी है तूने? तलाक दी? काशिफ बोल, तलाक दी तूने? अरे छोड़े छोड़े मेरे बच्चे को, ये जान से मार देंगे। मारूंगा जान से इसको, मारूंगा। मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि ये इतना खबीस निकलेगा। ये शैतान मेरे खानदान में पहली दफा पैदा हुआ है, ऐसा शैतान पैदा ही नहीं हुआ हमारे खानदान में। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़े इसे। मौत तो इसको पड़नी चाहिए जिसे ना माँ बाप की इज्जत की फिक्र है और ना शौहर की कदर। मौत तो इसको पड़नी चाहिए। खैर जा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या कसूर है? छोड़ो से, इतनी तेज चलाक लड़की है ये कि कोई हद नहीं। आज तक आपने काशी पे हाथ नहीं उठाया, सिर्फ इसकी वजह से मारा मेरे बच्चे को। मामा मैं ये घर छोड़कर अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ। अरे तुम क्यों छोड़ के जाओगे घर? जाएगी तो ये जाएगी, निकलो इसी वक्त, निकलो मेरे घर से। कहीं नहीं जाएगी, ये तुम्हारा लाडला ये जाएगा यहाँ से, और सुबह मैं जायदाद से आफ कर दूंगा तुम्हें। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? ताबू, ताबू। अरे क्या हुआ आपको? तबीयत ताबू, ताबू, ताबू। मैं पानी लेके आती हूँ, पानी लाती हूँ मैं। ताबू संभाले खुद, ताबू खुद को संभाले, ताबू, ताबू, ताबू संभाले, ताबू, 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 निकलो, निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ। ताई अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज अम्मी माफ ना माफ प्लीज। चल ताई अम्मी, मैं तो नहीं जाना चाहती। अरे मैं ताई अम्मी जो इस घर में, ताई अम्मी के लिए भी बर्बाद कर सकती। समझ गए तुम, खासा खुदा का सब कुछ बर्बाद।
मैं कहाँ जाऊंगी? अब मुझे अब्बू का कौन? अब ताई भी, ताई भी चलो माफ कर दो ताई भी। प्लीज मेरे शोहर को बीमार कर दिया तुमने, मेरे बेटे को दरबदर कर दिया। निकलो निकलो, कहाँ जाऊंगी? निकलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। चलो तुम्हारी कहानी इस घर से हमेशा के लिए खत्म। जोड़कर तुम दोनों से माफी मांगने आया हो। भाई सब, ये किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? बताएं भाई साहब। तो क्या हानिया ने आकर तुम दोनों को कुछ नहीं बताया? हानिया? लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। भाई साहब बताइए ना, कहाँ है हानिया? क्या हुआ उसे? क्या क्या कहाँ है मेरी बच्ची? भाई साहब मैं तो समझ रहा था कि रात को यहाँ आ गई होगी। और अगर वो यहाँ नहीं आई तो भाई साहब आप बता क्यों नहीं रहे हानिया को? क्या हुआ, क्या कहाँ है वो? भाई साहब मेरी बच्ची का बताए, क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ जो वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई? बोले भाई साहब कहाँ है हानिया? भाई साहब बताइए ना, हानिया कहाँ है? मैं तुमसे वादा किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। हानिया का बताएं, वो कहाँ है? ओ, काशी ने क्या काशिफ ने क्या किया? काशिफ ने काशी ने क्या किया? काशिफ ने भाई साहब खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए। हानिया को तलाक दी थी। हानिया प्लीज आप रोना बंद कीजिए, पानी पीजिए। मुझे आराम से बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्लीज बताइए। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और मैं मौका देखकर वहां से भाग गई। गुड, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाए, आप खतरे से महफूज हैं। वो लोग आएंगे तो नहीं ना वापस? नहीं, अब मैं हूं आपके साथ, अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ पे, ताकि मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँ।
मैं चाहती हूँ। हानिया, आ रहा हूं। कौन है? आ रहा हूं, क्यों दरवाजा बजा रहे हो तुम? यहां बच्ची और लिफाफा दिया सेठ ने। अरे क्या है? अरे अम्मा, 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 अरे अम्मा बात सुनो। अरे शोर मचा रखा, चैन से सोने भी नहीं देता। अरे अम्मा ये देखो, ये नई मुसीबत आन खड़ी है। ये क्या है अम्मा? तुम्हारी पोती और सेठ ने वापस भेजा है। लो भला, क्यों वापस भेजी उसने? अरे अम्मा साथ में उसने ये खत भी भेजा है, उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि उसके यहाँ औलाद हो गई है और अब उसको उसकी बच्ची की जरूरत नहीं है। आए मनहूस, मारा अल्लाह उसको, गर्क करे। पहले कैसे मारा जा रहा था बच्ची के लिए, अब वो कर जा रहा है। अरे अम्मा तो उसको कोसना बंद कर, अब बता करना क्या है इसका? अब क्या करना है, अभी तो इसकी माँ भी नहीं है। अगर इसकी माँ होती ना तो उसके मत्थे मार देते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नासिर क्या कर रहा है। अरे अम्मा इसको पकड़ो ना, देखो कितना रो रही है। अरे नहीं मुझे बच्चे संभालना नहीं आते अब, और रोते हुए बच्चे तो जहर लगते हैं। तेरी औलाद है, तू इसको संभाल। अरे अम्मा तो कितनी बेमुरव्वत है, तेरी पोती नहीं है क्या? पकड़ इसे। अरे वाह, तू बैठा बैठा इसको मेरे गले मंड रहा है। मैं ऐसे री री करने वाले बच्चे नहीं ले सकती हूँ। बस तू संभालना, कह रही हूँ, मुझसे नहीं संभाला जाएगा, ये री री कर रही है। अरे अम्मा तुझे क्या हो गया? मैंने बच्चे थोड़ी संभाले हैं, पकड़ इसे, संभाल, पकड़। अच्छा मेरा ख्याल है इसको भूख लग रही है, बस तू जा जल्दी से इसके लिए दूध लेकर आ जा, जा जल्दी से। अल्लाह अल्लाह चुप हो जा। अरे कितनी होशियार बच्ची है, सुन पट्टी की बेटी, बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल से मिलती जुलती है और वैसे ही रो रही है। री, 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 चुप, चुप। लो भैया नासिर, मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया, तेरी जोरू घर ले आई, अब तू जाने और तेरा काम। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि बीवी को और जिन को काबू करना बहुत मुश्किल है। तू पहले दिन ही बीवी को काबू में करेगा तो वो औरत पूरी जिंदगी तेरे आगे चूचरा नहीं करेगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि आते ही मारना पीटना शुरू कर दूं? अरे थू, शादी के बाद पगला गया है तू। मेरा कहने का मतलब है कि उसकी लगाम कस के रखना, सर चढ़ाना नहीं बिल्कुल भी। जैसे तानिया के साथ किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, पहले दिन इसकी लगाम कस के रखना। जा मेरा बच्चा जा, और ये जो है ना सुनपट्टी की औलाद को गोद में डाल दे, जा शाबाश उसके, देखना फिर अब क्या होगा। चल शुक्र है, संभाल ले इसको, अल्लाह करे वो मेरी जिंदगी भी कुछ आसान हो जाए, ये अच्छी आए, अल्लाह करे।
ये तुम्हारा तोहफा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं संभालूंगी। तुमने आते जुबान चलाना शुरू कर दी। हाँ अभी सीधा करता हूं तुम्हें। मैं तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया? अरे बेटा आराम से आराम से। शादी की पहली रात को कौन दुल्हन को मारता है? हाँ अलबत्ता इसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है, मेरे बेटे ने नहीं मारा इसको। हाँ तो ये भी बताओ ना कि क्यों मारा है? भाई ये ना नाजिर की बच्ची को मेरी गोद में डाल रहे थे और जब मैंने मना किया तो दोनों माँ बेटा अपने आपे से ही बाहर हो गए। बड़े अफसोस की बात है आंटी, हमने क्या सोचकर अपनी बहन का रिश्ता आप लोगों के हाथ में देता और आप लोग क्या निकले? अरे तो क्या हुआ, बिन माँ की बच्ची को अगर ये पाल लेगी तो क्या हर्ज हो जाएगा, सवाब ही मिलेगा इसको। कसम उड़ान छल्ले जी, किसने हिम्मत हो जैसे काम करवाए? नहीं बेटा किसने काम करवाया। हाँ और अगर ये काम भी कर ले तो क्या हुआ, घर की औरतें काम काज करती हुई अच्छी लगती है, मैं भी तो काम करती हूँ। और ये नहीं करेगी कोई काम वाम? क्यों बस नहीं बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है देख, ये तो जूते समेत आंखों में घुस रहा है। देखा 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 भाई, ये ही हर वक्त इसके कान भरती रहती है। तो तुम जबान संभाल कर बात करो ना, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करोगी और अपने भाई को बुलाकर हम पे रोप डलवाओगी, मैं डरूंगा नहीं। अच्छा ये बात है, तो भाई जरा दिखा दो इसको अपना जलवा। कैसे जलवा? मैं तेरी इतनी हिम्मत कर, और जोर से मारा इसको भाई, और मारा इसको, देख लिया तूने? अच्छा और मारे इसको। अच्छा अभी ठहरो मैं करती क्या हूँ। हाँ हाँ हमारी तो बाहें और घर के दरवाजे दोनों खुले हुए हैं भाई, नौशी जब चाहे वापस आ जाए। नहीं नहीं असर ऐसा कर ही नहीं सकता, वो कभी नौशाबा को तलाक नहीं देगा, आप यकीन करें मेरी बात। हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ओके ओके अल्लाह हाफिज। खलील मामू को फोन दो। हाँ क्या कह रहे थे? वही माफिया तलाफिया मिन्नतें कि नौशाबा से गलती हो गई है, वो सब कुछ भूल जाए, वो उसे किसी तरह समझा बुझा के वापस बुलवा लेंगे। अब उसके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया क्या, फर्क क्यों नहीं पड़ता? अपने बाप की जायदाद की अकलौती वारिस से काशी को तो भाई साहब आग कर चुके। मुझे किसी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तेरी अकल क्या घास चरने किसी जंगल में गई हुई है? अरे बीमार है वो, चल चलाओ के दिन है, क्या पता अपनी वसीयत में तेरे नाम कुछ कर जाए। मुझे लालच का सबक मत पढ़ाया करें आप, मैं जितना भी कमा रहा हूँ जो भी कमा रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। बिल्कुल अपने बाप पर क्या मजाल है जो कभी माँ की बात मान ले। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मेरे जो नजरियात हैं वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आया चलो, नजरियात मुख्तलिफ हैं। अब कभी नौशाबे की कॉल आए ना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी तरह उसे वापस बुलवा लो। नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उसके ख्वाहिशात के मुताबिक उसे फोन पे तलाक दे दी। वो अंकल मैं और आनिया। अरे आप अब्बू, ये वही हैं जिन्होंने मुझे अगवाकारों से बचाया था। तो पहले बताना था ना बेटा। अच्छा तो वो तुम हो बेटा जिसने हम पर एहसान किया था, हम तो कब से तुमसे मिलना चाह रहे थे। अरे नहीं आंटी, इसमें एहसान वाली क्या बात, मेरी जगह कोई भी होता तो वैसा ही करता। नहीं बेटा हर कोई एक जैसा नहीं होता, जिसकी तरबियत अच्छी हो वही दूसरे का ख्याल करता है। कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? तानिया आप इसे, वो घर पर हैं? लो उनका पूछिए जिनका आजकल खुद कुछ आता बताने। नासिर नासिर
जी जी जान, तुम्हारी पहली के पिछड़ों में से कोई आया, पूछ रही है उसका। तानिया भी कहाँ है? तानिया तो घर पे नहीं है। अरे सही तरीके से साफ साफ क्यों नहीं बता देते इसे कि वो मोहतरमा घर छोड़ के भाग गई है, फिर से महीने हो गए। क्या ये क्या कह रही है? कहाँ है तानिया अभी? ठीक कह रही है ये, वो मैंने बताया था ना कि उसने बच्ची की वफात का सदमा ले लिया है, तो वो पागल हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? हाँ मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो भाई तुम्हें मिल गया ना सारे सवालों का जवाब, अब निकलो यहाँ से, चलो शाबाश निकलो। लेकिन लेकिन वो यहाँ घर से कहाँ जा सकती है? क्यों, पहले भी तो घर से भागी थी, दोबारा नहीं भाग सकती क्या? और वैसे भी उसे तो आदत होगी घाट घाट का पानी पीने की। बकवास बंद करो तुम अपनी, और तुम अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, निकलो यहाँ से, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं तुम्हें यहाँ पर। हिना जब घर पे कोई आता है तो उसको बिठाते हैं, पानी वानी पूछते हैं कुछ चीज। क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि तुम्हें भी इसके साथ इस घर से बाहर निकाल दूँ। बकवास बंद करो अपनी तुम, और तुम निकलो यहाँ से, चलो चलो शाबाश बस बहुत हो गया, चलो चलो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और दोबारा बताना यहाँ पे, चलो जाओ शाबाश। क्या मतलब, कहाँ थी तानी? वो अपने घर से काफी अरसे से लापता है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? जी अम्मी यही सच है, तानिया आप ही गुम हो गई है, और नासिर भाई ने दूसरी शादी कर ली। अल्लाह, अगर वो गुम हो गई थी तो किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसे? पता नहीं, लेकिन लेकिन हापी के जाने के बाद उनकी बेटी को कोई नासिर भाई के घर वापस छोड़ के चला गया। अल्लाह क्या हो गया, कहाँ चली गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई, कैसे हो सकता है? अम्मी मेरी बच्ची तनी कहाँ गई है यार, कहाँ चली गई मेरी बच्ची, कहाँ चली गई? ये ले सेठ साहब ये आपकी अमानत, आज से ये आपकी हुई, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार खबरदार खबरदार, अगर तुमने फिर से इस बच्ची का सौदा किया वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्या 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 मतलब है तुम्हारा, तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में बात करने वाली? हाँ ये मेरी भांजी की जिंदगी का मामला, और मैं तुम्हें इसके साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी। अच्छा तो रोक के दिखाओ हमें, ना सिर्फ तुम दो बच्ची सेठ को। मुझे बताओ ये मसला क्या है, और ये खातून इस बच्ची के लिए शोर क्यों मचा रही है? अरे कुछ नहीं लगती ये, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गई है, और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, निकालो इसको घर से बाहर। मैं ये बच्ची लिए बगैर नहीं जाऊंगी, और आप लोगों को इसका सौदा नहीं करने दूंगी। देखो हानिया ये मेरी बच्ची है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, तुम जाओ यहां से। हरगिज नहीं, ये बच्ची मुझे दे। अरे 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 लड़की क्या कर रही है, मेरी पोती है, देख ना सिर अंधा है क्या तू, ये मेरी पोती है छोड़। अरे अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बच्ची तो नहीं मिलेगी, तुमने जो करना है कर लो। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, दो इधर मुझे से। छोड़ो दो मुझे। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना तो सारी जिंदगी तुम लोग जेलों में सड़ोगे। ये जो यहाँ पे तुम लोग बच्चों का सौदा करते हो ना, इसका इल्म हमें अच्छी तरह से हो गया है, शराफत से ये बच्ची हमें ले जाने दो, वरना मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो हानिया तुम काम पर नहीं गई? नहीं,
मैं थाने आप ही के घर गई थी इस बच्ची को लेने के लिए, और देखें मैं इसे ले भी आई। ये तानिया की बच्ची है। लेकिन तुम इसे लेकर क्यों आई हो बेटा? तुम्हें मना किया था। अम्मी, अगर आज मैं इस बच्ची को लेकर ना आती ना, तो नासिर इस बच्ची का दोबारा से किसी के साथ सौदा कर देता। दोबारा से? हाँ अम्मी, मेरी फैक्ट्री की एक दोस्त है, वो नासिर के घर के बराबर में ही रहती है। उसने मुझे बताया कि ये पहले बच्ची गुम नहीं हुई थी, बल्कि इसको बेच दिया गया था। शाला, क्या कह रही हो तुम? हाँ अम्मी, मेरे लिए भी ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? लेकिन बेटा, तुम्हें इसे लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा ना हो कि इसका बाप कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे, और फिर हमारे अब्बू तो नाराज हो सकते हैं। हम्मी, वो इतना बुजदिल शख्स है, कुछ नहीं कर सकता। और रही बात अब्बू की, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। जी तो आप इंटरव्यू लेंगे मेरा? आपको कोई शक है मेरी काबिलियत? वैसे मैं इस फर्म के अंदर मैनेजिंग पोजीशन पर हूं। अब मुस्कुराती हुई बात अच्छी लगती है। हमेशा ऐसी हंसती रहा करें प्यारी लड़की। वैसे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। तो आप भी आम मर्दों की तरह हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हर वर्किंग वुमेन को आसान। हानिया, आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैंने आपसे कभी ऐसी कोई बात कही या आपको कोई इशारा दिया हो जिससे आपको लगे कि मेरी नियत में आपके लिए खोट है? सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। लेकिन सानिया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बल्कि आप खुद ही सोचिए, अगर मेरे दिल में आपके लिए कोई खोट होता तो क्या मैं उस दिन बाहिफाजत आपको आपके घर पहुंचाता? सॉरी। प्लीज तशरीफ रखिए। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द इंटरव्यू नाउ। सच में बेटा, तुम्हें जॉब मिल गई? वो भी इतनी जल्दी? जी अम्मी, फैक्ट्री में जो मेरी सैलरी थी ना, ये उससे 3 गुना ज्यादा है, और पिक एंड ड्रॉप भी इनका अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा तुम्हें। अबू, आपको भी मुबारक हो, और इसी खुशी में आप मिठाई खाएं। अपनी माँ को भी खिलाओ, उसने बड़ी दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। जी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र। हेलो हानिया, साथ बात कर रहा हूँ। ओ, आप? जी जी, मैं फाइल घर ही ले आई थी, बस उसी पर वर्किंग कर रही हूँ। देखो, अब हम ऑफिस में नहीं है, इसलिए काम से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तो आपने फाइल को पूछने के लिए कॉल नहीं की? नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कैंटीन में कहा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, कहिए क्या बात कहनी थी आपने? एक्चुअली मैं काफी अरसे से तुमसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर इस बात का भी डर था कि पता नहीं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। आप खुलकर बात कीजिए। हानिया, मैं तुमको, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी हानी। हेलो हेलो।
अरे वाह, इतने सारे पैसे। ओ आहिस्ता बोल, छोरी ना सुन ले गई। नहीं सुनती, नशे की दवा देके सुलाया है, कल ही उठेगी। तू ये मुझे बता, सरदार ने क्या कहा? उस सरदार ने बोला है कल 12 बजे बारात लेकर आएगा और छोरी को भीख मांगने के लिए लीन लेके जाइए। अरे तू फिकर ना कर, मैं सब देख लूंगी, बल्कि मैं इसको तैयार भी कर दूंगी। ये भगड़ी, ये इसके बिया का जोड़ा है। देख कोई गड़बड़ ना हो, इसका ख्याल रखी, निकाह के बाद हम शहर छोड़ देंगे। निकाह के बाद हम शहर छोड़ के क्यों जाएंगे? ओ पागल, पुलिस ने जगह देख ली है, वो फिर आ सकती है। ऐस वास्ते ऐसा छोड़ना है। हाँ गफूरे, तू ठीक कह रहा है। पता है हम जब किसी नए शहर जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें ऐसी कोई छोरी मिल जाएगी। हाँ ये क्या कर रहा है? अरे इतने ज्यादा नोट इसमें बन रही है। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं पहनूंगी। अरे पहन लेना, कितना प्यारा है, तू पहन के बिल्कुल शहजादी लगेगी। मैं नहीं पहनूंगी ये। क्यों नहीं पहनना? तुझे अपनी माँ का नहीं जाना? ये तू पहन ले, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेके जाऊंगी। जा शाबाश, तैयार हो जा। माँ कसम, मैं तुझे तेरी माँ के पास लेके जाऊंगी। ये ले, ये पहन, जल्दी से तैयार हो जा। देख मैं तुझे खोल भी रही हूं। अरे अरे ये ना रोने लग गई थी तो इसे लेने की। अस्सलाम वालेकुम। हानिया आ गई बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हानिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैं साथ की अम्मी हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तुम्हें देख के तो और खुश हूँ। जी मुझसे भी मिलो, मैं साथ की बहन हूँ सारा। हेलो बेटा, तुम सारा को अंदर ले जाओ, बड़ों की बातों में बोर होने लगी थी ये। ठीक है ओके। हाँ ये भी ले लो। तानिया आपी, आप यहाँ? ओ ये नूरा, पूरी छुरी गफूरा, ये गड़बड़ाएगी। चल भाग, चल वापस, चल ना। ओह कौन है? अरे ये तो वही छोरा है जो पुलिस को लेकर आया था। मैं आप लोगों से अब जो बात करने वाली हूँ वो सुन के आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन देखिए ना, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं। मैं आपकी बात समझी नहीं बहन जी। तो मैं आप लोगों के घर आई तो थोड़ी देर के लिए ही थी, लेकिन हानिया से मिलने के बाद मेरे दिल में एक सवाल आया है। आप कहिए क्या कहना चाह रही हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे साथ के लिए हानिया का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। आपको प्रपोजल भेजने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। पूछा तो था, तुमने कहा था जी? कुछ भी अज्यूम करने से पहले इंसान पूरी बात तो सुन लेता है। क्या मैं? क्या आपको पता है कि मेरी एक शादी हो चुकी है
और मैं डाइवोर्सी हूँ। रियली सॉरी हानिया, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ। जो कुछ भी हुआ है वो मेरा भयानक माफी था, इसलिए मैं अपने साथ साथ दूसरे का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहती। मुनासिब समझा इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया। और मुझे देखो, मैं कितना बेवकूफ हूँ, तुमसे कुछ भी पूछने के बजाय खुद ही सब कुछ फर्ज करके बैठ गया। इट्स ओके, बेहतर यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें। तो क्या हम इनके जागने का वेट करें? अब ये कल सुबह ही उठेंगे। एक्चुअली इन्हें दौरा पड़ा था और हमें इन्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। दौरा? जी, ऐसे पेशेंट की हालत किसी भी वक्त खराब हो सकती है और वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाबी की हालत इतनी खराब है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। हम हाबी से दोबारा कब मिल सकते हैं? एक वक्त में सिर्फ एक ही विजिटर पेशेंट से मिल सकता है। आप कल 11 बजे के बाद का अपॉइंटमेंट ले लें और प्लीज जल्दी बाहर आ जाइएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों को यहाँ लेकर आई। ठीक है बहन जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सात बेटे ने आपको बताया नहीं शायद। क्या सब बता दिया? मगर क्या इतनी जल्दी? अच्छा ठीक है, मैं हानिया के अब्बू को बता दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, ऐसा भी क्या कह दिया साथ की अम्मी ने जो आप इतना घबरा रही हैं? बेटा घबरा नहीं रही, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। क्यों, उन्होंने इनकार कर दिया है क्या? इनकार नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द डेट दे दो, मंगनी करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए रिश्ते की। मैं तो ये समझता था कि शायद आपको जिंदगी में आप कभी शादी ही नहीं करनी, लेकिन मैं गलत था। तुमने शादी से इनकार सिर्फ और सिर्फ मुझे किया, मुझे बहुत अफसोस रहेगा इस बात कि अम्मी अब्बू का फैसला है। बहाने मत बनाओ, अब तुम पहली वाली हानिया नहीं रही जिसको तुम्हारे माँ बाप प्रेशर में डालकर तुमसे अपनी सारी बातें मनवा लें। अगर बेवफा होता तो। अब तुमने मुझे जो समझना है समझो, मैं फूफों की उम्मीदों के मजार पर अपना महल तामिर नहीं कर सकती। बस यही है मेरी गलती, तुम जो सजा देना चाहो दे दो। अल्लाह चलो भाई, अब रास्ता तो जाने दो मुझे अंदर। 10,000 रुपए दो और अंदर जाओ। हाफी, आप तो कह रही थी कि शादी में कोई गैर शरई रस्म ही नहीं होगी, अब ये सब क्या है? तो क्या हुआ, बहन को कुछ देना कौन सी बुरी बात है? इन्हीं पैसों में कुछ दिन मेरा गुजारा हो जाएगा। जी हाँ, जब तक आप पैसे नहीं देंगे अंदर नहीं जा सकते। तुम चुप रहो चुटकी, इन पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, सारी मेरी मेहनत है, तुम अपने लिए अलग से ले लेना। बेटा कुछ दे दिला के जान छोड़ा लो अपनी, वरना ये दोनों इसी तरह बोलती रहेंगी। सिर्फ मेरे पास ये पैसे,
एक काम करो, ये पैसे तुम दोनों ले लो और मिल बांट के खर्च कर लो। क्यों, हम फकीर हैं? जब बीवी के आती तुम्हारा दिल तंग हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे तुम। अम्मी आप आपी को समझाएं, आज के दिन तो ऐसा तमाशा ना करें। बेटा आप जितने पैसे मांग रही है दे दो इसको, ना तुम्हें पता तो है इसके गुस्से का। अच्छा आप एक काम करें, आपी ये पकड़े, ये रखें, बाकी पैसे मैं आपको कल देता हूँ, ठीक है? और मेरे पैसे? बड़ी तो बड़ी छोटी भी सुबह नला यार, तुम तो छोड़ दो। हाँ तो मेरा भी हक बनता है। बनता तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है? ये लो 4,000 रुपए, तुम्हारा शोहर आए तो उसे लौटा देना। आते ही मेरी भाई पे कब्जा कर लिया तुमने। हनिया ये सब सारा आप ही ने किया है? इनसे तो मैं अभी पूछता हूं। नहीं प्लीज छोड़े ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पहली ही रात में इस घर में बदमस्की पैदा हो। लेकिन वो ये कैसे कर सकती हैं? उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज आप जाने देना, जो हो गया सो हो गया। सॉरी हानिया, ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपी को कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि वो खुद पे अपना कंट्रोल ही खो देती है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आपको मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू हनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, हमारी यहीं करीब में पेट्रोल पंप था, आप यहीं चले जाते। अच्छा आप आ गए हैं, ठीक है बस हम आ रहे हैं। ओके सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो मानी जान का है? वो अंदर ही होंगे अपने कमरे में। अच्छा थैंक यू। कितना डैशिंग है तुम्हारा ये कजन, इसकी शादी वादी तो नहीं हुई ना? नहीं अभी नहीं हुई। गुड, फिर तो काम बन गया। या? क्या मतलब? वाकई भाई आप सच कह रहे हैं, 5 लाख की बिकी गाड़ी। बहुत अच्छा किया आपने, ये नासरे को तो किसी चीज का भाव था नहीं पता। हाँ ठीक है भाई, मैं बस आ रही हूँ आपके पास। 5 लाख? कौन सी गाड़ी बेचने की बातें हो रही है? क्यों आपको क्यों बताऊं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अम्मा इसने मेरी गाड़ी बेच दी है पूरे 5 लाख रुपए में। हाय अल्लाह, ऐसी क्या मौत पड़ गई थी जो घर की सवारी बेच दी तूने? अम्मा इसने 4 लाख रुपए का अपना सोने का सेट लेना था इसलिए बेची है। हाँ तो मर क्यों रहे हो, 1 लाख बचा है ना वो तुम रख लेना, और वैसे भी परेशान मत हो,
मेरा भाई तुम्हें इससे बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी गाड़ी दिला देगा। हाँ, तेरा भाई कौन सा कारों का व्यापार है जो तुझे पराडो लेके दे देगा, जहाज इसमें एक तिनका तक तो लाई नहीं है और इतनी चौड़ी हो रही है और हमारा पूरा घर उजाड़ने पे तुली हुए तू। वैसे आपको कितना मसला हो रहा है, मेरे शौहर की गाड़ी थी, हमारी गाड़ी, हम रखे या बेचे, आपको क्या? तू क्यों मुंह सी के बैठा हुआ है, कंगला करके छोड़ेगी तुझे ये? कुछ तो होश के नाखून कर पागल। अरे अम्मा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है यार, मेरी इतनी अच्छी कार थी, इसने बेच दी। हाय बेचारी, सुनपट्टी की गाड़ी बेच दी तूने? तू उसकी मामी लगती थी जो अपने कालिदास भाई के हाथों बेच दी। अच्छा, तो अब वो बेचारी होगी? पहले तो वो पता नहीं पागल, बेवकूफ, बदतमीज और पता नहीं क्या क्या थी। वैसे अंकल की तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी जितना साध ने आके सबको डरा ही दिया। नहीं बेटा, वो शुगर का मसला है ना, तो रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे, तो शुक्र है अल्लाह का अब कुछ संभल गई तबीयत। असफर ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। असफर? वही हानिया का कजन? हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। अम्मी, मरियम कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल में भी नजर नहीं आई। बेटा, वो कुलसुम की तरफ जल्दी में छोड़ आई थी मैं। तुम ऐसा करो ना, सारा को अंदर कमरे में ले जाओ, यहाँ तो बहुत गर्मी है ना। मैं मरियम को ले आती हूँ। आप मेरे कमरे में जाकर बैठे, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ये तो असफर की लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता है, पता चले तो उसको गिफ्ट कर दूं। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी, कहिए। वो तुम कुछ दिनों के लिए मरियम को अपने पास रख सकती हो? क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ, बस आप लोगों को इशू था। नहीं बेटा, हमें नहीं, तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, और दूसरी बात, हम नहीं चाहते तुम्हारा घर तबाह हो। नहीं अम्मी, सात को भी कोई एतराज नहीं है मरियम के वहां रहने से। अरे भाई, मरियम तो इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे क्यों एतराज होगा? आ जाओ, अजय लो, हम आज ही लेके जाएंगे मरियम को, है ना? कमाल है, मैं वहां अकेली बैठी हूँ और यहाँ सब अपनी बातों में मगन है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बच्ची को मसाय के घर से लेने गए थे, अभी आए हैं। साथ घर नहीं चलना क्या? जी आप ही बस चल रहे हैं। हानिया, तुम मरियम का जरूरी सामान कलेक्ट कर दो, बस निकलते हैं। मरियम की चीजें? ये कहाँ जा रही है? आप ही मरियम हमारे साथ जा रही है। बस बेटा, हमारी मजबूरी है, अब मुझे तुम्हारे अंकल के साथ अस्पताल में रहना ना, वरना मैं कभी मरियम को तकलीफ ना देती तुम लोगों को। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, मरियम आपको और हानिया को जितनी प्यारी है ना, उतनी अब अपने अंकल को भी प्यारी है। हानिया जल्दी से सामान ले लो, हम चलें। आप सच कह रही हैं? आप ही घर आ रही हैं? अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी साथ चलती। जी साथ इस्लामाबाद गए हुए हैं। नहीं अम्मी, असफर को मत भेजिएगा, मुनासिब नहीं रहेगा। अब ठीक है, मैं अब चक्कर लगाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
कहाँ का चक्कर लगाने की बात हो रही है। तानिया आपी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, बस वो घर आ रही है, उन्हीं से मिलने जाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हारी पागल बहन ठीक हो गई क्या? एक्सक्यूज मी, वो पागल नहीं है, उन्हें कोई जहनी मसला था बस। हाँ हाँ, हमें तो पता ही नहीं था ना, जो पागल होता है वो इसलिए पागल होता है कि उसके कुछ जहनी मसाइल होते हैं। अच्छा कवर अप था। आपको कोई काम था क्या? हाँ, एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो मेरा। जी बताएं। बताने की नहीं, दिखाने की चीज है, देखोगी? मैं समझी नहीं। ये पढ़ो, सब समझ जाओगी। हैरान हो गई ना कि तुम्हारा ये मोहब्बत नामा मेरे पास कैसे आया? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इससे ना सही, लेकिन उससे तो है, जिसके लिए दर्द में डूबा ये मोहब्बत नामा लिखा है। प्लीज फजूल बातें मत करें। बात तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, वरना ये बात बहुत आगे निकल जाएगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? नहीं, मैं तो चाहती हूँ हम दोनों आपस में बैठकर सेटलमेंट कर ले। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा राज रखूंगी। मेरा राज? हाँ, वरना ये लेटर मैं सात को व्हाट्सएप कर दूंगी और फिर दूसरी बार तुम्हारी तलाक। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? आप चाहती क्या है? यही कि तुम असफर से मेरा रिश्ता करवा दो। क्या असफर का आपसे रिश्ता? मैं ऐसा नहीं कर सकती, और शायद वो माने या नहीं। तुम मना लोगी उसे, तुम्हारी कोई बात नहीं चलता वो। अब देखो ना, तुम दूसरी बार शादी करके बैठ गई और वो बेचारा तुम्हारी मोहब्बत में कवारा बैठा है। तुम्हें उस पर रहम नहीं आता? वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो शादी क्यों नहीं कर रही है, उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। कोई जल्दी नहीं है, दो चार दिन में तुम उसे मना लो, वरना तुम्हारा ये राज फाश हो जाएगा। मैं वहां पे बहुत अकेली हो गई थी। मेरा कोई भी नहीं था नीचे, ना मेरे पास मेरी माँ होती थी, ना मेरा बाप, ना मेरी कोई बहन, ना किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो उन लोगों ने मेरी मेरी बच्ची को ही मुझसे छीन लिया।
मेरे बच्चे को मुझसे, मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, मार दिया, मेरी परी को मुझसे मार दिया। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि बाप तो कितने अच्छे होते हैं, बच्चियों को परियों की तरह पालते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं, उनको भूलों की तरह रखते हैं। ऐसे होते हैं बाप, ऐसे बाप नहीं होते। अम्मी, आपके लॉकर्स में मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ना, वो मुझे निकाल के देते हैं। क्यों बेटा, उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे वो लास्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट जानी है उसकी, उसके लिए चाहिए मुझे। अच्छा, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। साथ लॉकर में वो जेवरात के डब्बे नहीं है? कौन से जेवरात? में वही जो तुमने मिसबा और हानिया के लिए दो सेट बनवाए थे, वो वहां नहीं रखे हैं अब? अरे वही होंगे, कहां जाएंगे, सही से देखें। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, वहां नहीं है, तुम जाके खुद देख लो। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहीं और रख दिया? साथ इस घर में इस लॉकर के अलावा कोई और लॉकर नहीं है, मैंने वही रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब वहां जेवर नहीं है, पता नहीं कहां चले गए जेवर सारे। इस तरह घर से जेवरात कौन उठा सकता है? आप ऐसे अचानक कैसे आ गए, मुझे कॉल ही कर लेते। हाँ, छोटा सा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? एक्चुअली अम्मी के लॉकर्स से सारे जेवरात गायब हो गए हैं, और उसमें तुम्हारा गोल्ड का सेट भी था। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन घर से कोई चीज कैसे जा सकती है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सारा जी की कॉल आ रही है। प्लीज डू नॉट अटेंड, फालतू की बातें करेंगी देर तक। लेकिन वो मुझसे ऐसी वैसी बात क्यों करेंगे? देखो अनी, तुम आज यहाँ आई हो और आज ही घर में ये चोरी हुई है, इसलिए मेरा मतलब है, मतलब सबका शक मुझ पे जा रहा है। लेकिन वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते? किसी की सोच पर पहरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी ताकि मैं सबका शक दूर कर सकूं। नहीं अरे, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि जब तक मैं हालात को साजगार नहीं बना लेता, तुम यहीं रुको। लेकिन मैं यहाँ इतने दिन तो नहीं रह सकती ना, और जितने दिन मैं उन्हें फेस नहीं करूंगी, उनका शक मजबूत होता जाएगा। हनी, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ रहो, ये वक्त मुनासिब नहीं है तुम्हारे वापस आने का, तुम्हें मैं खुद बता दूँ। मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिसबा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? सर कुछ नहीं, वो पानी पीने जा रही। और ये हाथ में क्या है तुम्हारे, क्या इस गठरी में? इसमें पुराने कपड़े हैं, स्टोर में रखने जा रही हूँ। ये कौन सा वक्त है ये काम करने का, चूहे होंगे वहां पर, जाओ कल रख देना। आपी, क्या वाकई आपको सब कुछ याद आ गया? क्या मतलब, मैं तो कब से ढूंढ रही थी मरियम को, लेकिन ये आप लोगों के पास कैसे आ? ये बेटा, ये तो हमारे पास कब से है, बस जब ये मिली तो तुम कहीं खो गई। हाँ, मैं खो गई थी? मैं कहाँ खो गई थी? तो क्या आपको कुछ याद नहीं है?
हानिया तो मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही हो? अच्छा ना ये सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए मरियम से मिलकर आपको कैसा लगा? ऐसे जैसे कि मुझे मेरी दोबारा जिंदगी मिल गई हो, सारी खुशियां मिल गई हो। मरियम सब कुछ है मेरे लिए। ये मिसबा कितना टाइम लगाती हो तुम, जल्दी बैठो और मुंह ढाप लेना, कोई पहचान ना ले, जल्दी बैठो। बैठ गई मिसबा? कहाँ चली गई ये लड़की? बिल्कुल बहरी बन जाती है, आपकी आवाज सुनकर भी ढीठ बनकर कमरे में घुसी हुई। अरे नहीं नहीं, जाकर देखो कमरे में सो गई होगी, बहुत ही लापरवाह लड़की है ये तो। अभी उसके काम खेच के आती हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसी अजीब बातें करते हो तुम साथ? कहीं नहीं मिले जेवरात, पूरा घर छान लिया है मैंने। घर में होंगे तो मिलेंगे ना? घर मिले होते तो तुम्हें बताती ना। अम्मी वो मिसबा अपने कमरे में नहीं है। कैसी बातें कर रही हो, वॉशरूम में होगी या छत पर चली गई होगी? अम्मी पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है वो, और उसके रूम में उसका सामान भी नहीं है। मिसबा तुम यहाँ दो मिनट रुको, मैं सामने से ट्रेन के दो टिकट्स लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम उस लड़के के पीछे जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, तुम घर से भागी हो ना? बहुत अफसोस की बात है मेरे, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ, भाग रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें कितना समझाया था मिसबा, और तुम? अरे बाजी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सारी इसकी प्लानिंग थी मिसबा की, ये खुद घर छोड़ के भागना चाहती थी। बकवास बंद करो, तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ अभी मैं। देखिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैं मिसबा के बहकावे में आया हूँ, इससे तो मुझे घर से ना ज्वेलरी भी चुरा के लाके दिए, इसी बैग में है वो सारी ज्वेलरी। क्या? चेक करो सर। चेक कर ले आप पहले। ऑस्वर छोड़ दो उसे, ये तो वही ज्वेलरी है जो कल साथ के घर से गायब हुए। चलो चलो उठाओ सो गाड़ी। चलो मोबाइल भी ऑफ रखा हुआ है उसने, ताकि हम में से कोई भी इससे कांटेक्ट ना कर सके। अरे किसी को कुछ पता है उस लड़की के बारे में, कहाँ का है, किस इलाके का है, किधर का है? अगर बेटा ये सब पता होता तो मैं अब तक उस लड़के के घर नहीं पहुंच जाती। अम्मी मुझे एक ही हल नजर आ रहा है, हमें थाने में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए मिसबा की गुमशुदगी की। नहीं बेटा नहीं, पुलिस में नहीं। तो अम्मी हम किस तरह ढूंढेंगे मिसबा को? क्या जरूरत है उसको ढूंढने की, अब भूल जाके इस नाम की हमारी कोई बहन भी थी। अम्मी मुझे कुछ करना पड़ेगा, हम इस तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अस्सलाम वालेकुम। चले अब ये कहां से आ गई? हानिया तुम कैसे आई? असफर लेकर आया है, हमारे साथ कोई और भी आया है। कौन है तुम्हारे साथ? असफर ले आओ। मिसबा अब क्यों आई हो वापस? हाँ अभी प्लीज छोड़े, अभी प्लीज बताना क्यों आई हो वापस? सारा जी प्लीज छोड़ देना इसे, दिल तो करता है कि इसको मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। क्यों आई हो तुम वापस? आप एक मिनट मुझे बात करने दे मिसबा से।
ऐसे लोगों से बात नहीं की जाती, इनका सिर्फ एक ही इलाज होता है मौत। प्लीज हम कैसी बातें कर रही हैं? तुम ना बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से खराब हुई है ये, वरना ऐसी नहीं थी पहले। कहाँ मिली ये बदबख्त तुम्हें? अम्मी यही काफी है कि ये मिल गई। यही कहो ना कि तुम इसे घर से भगा कर ले गई थी, खुद तो ठीक नहीं थी, इसको भी अपने जैसा बना दिया तुमने। देखिए प्लीज सोच समझ के बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हानिया ने तो उसे उस लड़के से बचाया। हाँ ये तो बहुत पहुंची हुई है ना, जिसको सबसे पहले ही सब पता चल जाता है। अभी बस करें, बस फिर प्लीज तुम मुझे बताओ क्या बात। ये रहे आपके जेवरात, ये लड़का इन जेवरात को लेके भाग रहा था। आप लोग प्लीज एक दफा चेक कर लें, किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो उसमें। क्यों किया मिसबा तुमने ऐसा? हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी क्या? प्लीज माफ कर दे। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये सब कुछ तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम घर छोड़कर भाग गई थी। सारा जी वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है, प्लीज आप उसे मजे शर्मिंदा मत करें। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर। प्लीज अम्मी चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हसफ़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया किन अल्फाज में अदा कर। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया आपको हानिया का करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त में इसने मिसबा का पीछा करने को कहा। भी अपने गुनाहगार पप्पू को माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा किया। कैसे माफ कर दूं आपको? कैसे माफ कर दूं आपको? आप ही तो हैं मेरी बर्बादी की जिम्मेदार। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते, तुमसे बड़ी है, देखो ना माफी मांग रही है। और बेटा माफ करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। ये मुजरिम है, मुजरिम है ये मेरी। देखिए आप ही, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को माफ करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है, वरना दिल में कीना रखने से या नफरत रखने से तो कोई भी खुश नहीं होता। माफ करती, ठीक है मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ किया। अरे अम्मा वो आना कानी कर रहा था, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। हाँ शाबाश बेटा, अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए, गाड़ी लेके रहना उस बोने से तू। अच्छा अम्मा मैं अभी वकील के पास जा रहा हूँ, बच्ची की कस्टडी का केस फाइल करने। ठीक है? कौन सी बच्ची? मैं तुमसे बात करने आई हूँ नासिर। अरे नासिर ये तो तानिया, कितनी बदल गई है तानिया, पहचानी भी नहीं जा रही, इतनी मोटी हो गई, सुन पट्टी है मेरी। ओ हेलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तुम कौन हो? मैं नासिर की बीवी हूँ।
वाह नासिर, तुमने दूसरी शादी भी कर ली। तानिया तुम बैठो ना, बैठकर बात करते हैं। ऐसे ही बैठ के बात करते हैं? कहां से आगे मुंह उठा के चलता करो से यहां से। तुम अपना मुंह संभाल के बात करो, ये मेरी पहली बहू है, तुमसे लाख दर्जे बेहतर थी ये। अगर इतनी अच्छी थी तो भागी क्यों थी? मैं यहां किसी से बहस करने नहीं आई। नासिर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। अरे बुद्धू, ये बात करने देगी यहाँ पे? जाओ अंदर कमरे में जाकर आराम सुकून से बात करो, अपना दुख सुख भी कह दो इसको। और अपने बारे में क्या ख्याल है फसादी बुढ़िया? ये सारी पूर्णा तुम्हारी डलवाई हुई है। हाँ, अपने बारे में क्या ख्याल है? तूने तो सारे मुल्कों की जंगों में ना अमन की फाख्ता का किरदार अदा किया है ना फितना। तुम मेरे मुंह मत लगा करो। मैं तो बड़े तेरे मुंह रखती हूँ ना, तेरी शक्ल है ना तो फिर आने वाली है। ये आए कहाँ से गई? बस जहाँ से भी आई तुझसे बहुत दर्जे अच्छी थी। संभाल के रख लेती ना उसको। तुम इतने घटिया और जलील हो सकते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हाँ नासिर, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों बन गए तुम हैवान मेरे और मेरी बेटी के लिए? तानिया मैं बहुत शर्मिंदा हूं, ये मेरे तुम्हारे सामने हाथ छुड़े हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझे जान से भी मार दो, मुफ्त तक नहीं करूंगा। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो अपना ये नाटक। तुम जैसा इंसान तो किसी गिद्ध से भी बदतर है, जो जिंदा इंसान को नोच नोच के खा जाए। हाँ मैं बहुत बुरा हूं, मारो मुझे, जान से भी मार दो मुझे। मारने और जिंदगी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे और इतनी लंबी सजा दे के दूसरे लोग तुमसे देख देख के इबरत हासिल करें। ऐसा मत होता, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और मैं अपने सारे गुनाहों से तायब हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का मर के भी यकीन नहीं हो सकता। प्लीज तानिया, मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। सफाई का मौका एक बार के मुजरिमों को दिया जाता है, और जो आदि मुजरिम होते हैं उन्हें सिर्फ सजा सुनाई जाती है। साथ का वेट कर रही हूँ। साथ दरअसल एक जरूरी काम से गई, उसने कहा है कि तुम उसका ये इंतजार। मैं साथ को नहीं ढूंढने जा रही, बल्कि मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ। मुझसे क्या बात करनी है? असफर, मैं बहुत मान से आई हूँ तुम्हारे पास, प्लीज इनकार मत करना। ऐसी क्या बात हो गई कि अब तुम्हें मेरे इनकार से डर लग रहा है? वो मैं चाहती हूं कि तुम मेरी नन से शादी कर लो। प्लीज तुम्हारा जवाब नाम ही नहीं होना चाहिए। तुम क्यों मेरा सुकून बर्बाद करना चाहती हो? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने से असल में तुम्हें जोग लेते नहीं देख सकती। जिंदगी की खुशियों में तुम्हारा भी हक है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन अपनी जिंदगी से। असल तुम इतने खुदगर्ज तो नहीं थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ तुम नहीं जानती? देखो असल, जिंदगी में हर शख्स को हर चीज नहीं मिलती, कंप्रोमाइज करना पड़ता है बहुत सी बातों। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। दिल की नहीं, दिमाग की सुन। उम्मीद है कि तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएंगी। Thank you.
मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने जो तानिया और हानिया की जिंदगी में जहर घोला, अल्लाह तू मुझे माफ कर। मेरे मालिक तू बेहतर है, तू रहीम हो करीम है अल्लाह। गलतियों को माफ कर देता है, गुनाह को बख्श देता है मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर। मैं अपनी खुद और सोचो वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचाई, इस चीज को तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दे मेरे माँ। या अल्लाह मेरी जबान के जहर ने बहुत सी जिंदगी तबाह कर दिया, मेरे पर बर्दी कर, मुझे माफ कर दे बर्दी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे बर्दी, मुझे माफ कर। आप कोई काम था क्या आपको? तुम तो बहुत घटिया निकली। क्यों, मैंने क्या किया है? असफर से मेरी शादी करवाने के बजाय तुमने जानबूझकर उसके लिए मिसबा का नाम ले दिया। मैंने आपके हवाले से भी बात की थी, असफर नहीं माना तो मैं क्या करती? वाह, मेरे लिए उसने इनकार कर दिया और मेरी बहन के लिए झट से मान गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मक्कारी नहीं पहचान सकती? मैंने क्या मक्कारी किया? तुम जेलस हो मुझसे, तुम नहीं चाहती कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए तुमने ये सारा गेम खेला। मुझे ऐसे फजूल कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक सिंसियर मशवरा दूं, आप अपनी किस्मत पर राजी हो जाएं। क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी बहुत अच्छी किस्मत लिखी हो। चेहरे से जितनी मासूम हो, अंदर से उतनी चालाक। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या से क्या करती हूँ। अरे तुम यही हो, मैं समझी चली गई होगी। आंटी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बल्कि बहुत बड़ा धोखा। कौन कौन धोखा दे रहा है, क्या बुरा हो रहा है? मेरे घर वाले। घर वाले तुम्हारे? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? आंटी प्लीज, आप किसी से मत कहना कि मैंने आपको कुछ बताया है, वरना मेरे घर वाले मेरी जिंदगी अजाब बना देंगे। नहीं नहीं, तुम बात करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो आंटी बात ये है कि मेरी छोटी बहन मिसबा है ना, तो एक बार घर से भाग गई थी, लेकिन घर वालों ने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप ये सुनने के बाद फैसला करें कि आपको क्या करना है। मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता तोड़ दो, इससे अच्छा कोई और फैसला नहीं हो सकता। इजाजत हो तो रस्म शुरू करें। जी रस्म शुरू करते हैं। जरा मैं पहले असफर से कुछ बात करना चाह रही हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ हाँ जरूर। असफर जरा मेरी बात सुन। हमारे साथ एक दफा फिर धोखा हो गया। मुझे समझ में नहीं आता, हानिया ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? क्या हो गया, कौन सी बात छुपाई हानिया ने? ये लड़की घर से भाग गई, वापस लाके कोई कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहे थे। हानिया ने तुम्हारा नाम ले दिया। खैर हानिया को तो मैं बात नहीं समझ। जी पुपो, मैं आ गई हूँ। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? क्या दुश्मनी निकाली है तुमने? जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी नंद घर से भाग गई है, तो फिर
तुमने ऐसी बदकिरदार लड़की का रिश्ता मेरे बेटे से क्यों करवाया? ऐसी बात नहीं है फूफो, मैं असफर का बुरा क्यों चाहूंगी? क्या हो गया अम्मी, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? जी। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? वो घर से बाहर रही है और क्या पता क्या है फूफो? इस बात का हल मैं देती हूँ आपको, वो पाकीज़ा है। वो घर से जरूर निकली थी लेकिन असफर और मैं उसे वापस ले आए थे, उसके साथ कोई नहीं था। हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप प्लीज अपना मूड ठीक कीजिए और अपना मूड बिल्कुल वैसी करने से पहले एकदम खुश। बहुत मुबारक हो। इजाजत है? आंटी ये डायमंड की रिंग है? हाँ हाँ असली डायमंड है, और मैं शादी में तो अपनी बेटी को डायमंड का सेट पहनाऊंगी। लो बेटी हाथ आगे करो। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अपने मैके जा रही हूं मैं, यहां रही ना तो या तो फाको से मर जाऊंगी या दुख से। ठीक है, जहां तुम्हारा दिल करता है ना वहां जाओ, और जितने दिन के लिए जाना है उतने दिन के लिए जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद। हाँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वापस नहीं आऊंगी मैं यहां पे, बल्कि अब तो तुम्हें खुला का नोटिस आएगा मेरी तरफ से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, खुदा ने इस तेज पट्टी से हमारी जान छुड़ाई। देखा ना सर, मैंने कहा था ना कि पीर सर। नहीं ये मेरी बदुआओं का नतीजा है, मैं जो झोली फैला फैला के उसको बदुआएं देती थी, अल्लाह इसको गर्क कर दे। अल्लाह मेरी सुन पट्टी बहुत अच्छी थी, ये तेज पट्टी से अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी प्लीज अब वो मेरे मंगेतर हैं, ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखाए। जो भी है अपनी आंखें खुली रखो, असफर अभी भी हानिया की मोहब्बत में मुब्तला है, मरता है वो उस पे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह नहीं सकती, साबित करके दिखा सकती हूँ। देखना कैसे हानिया के लिए दौड़ा चलाता है वो। हैरत है, मुझे तो ये बताया गया था कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया, तुम जख्मी हो गई हो, तुम्हें अस्पताल लेके जाना। गिरी जरूर थी लेकिन मामूली सी चोट आई है, अम्मी ने गर्म पट्टी लगा दी है, मैं ठीक हो जाऊंगी।
अपनी आंखों से खुद देखो और सुन भी लो कैसा तुम्हारा मंगेतर भागा चला है हमारी बाबी का छोटे से। ये निकाह नहीं होगा, मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है, अंगूठी क्यों वापस की? मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका ऑलरेडी मेरी अपनी ही भाभी से अफेयर चल रहा हो। क्या बकवास है ये, खबरदार जो आइंदा कोई बात की ना ऐसी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चाहे आप मुझे जान से मार दें, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इस बार क्या हुआ अम्मी? बेटा पता नहीं क्या हो गया ऐसे अचानक, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अब मैं समझाती हूँ उसे, तुम परेशान मत हो। खैरियत है तानिया, तुमने मुझे बुलाया था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, कहो। देखो मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। देखो नासिर, मैंने अपनी बच्ची की मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचा है। इसका मतलब है कि तुम वापस आना चाहती हो? हरगिज भी नहीं। ऐसे तो तुम कभी मर के भी मत सोचना कि मैं कभी लौट के आऊंगी वापस। मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि तुम अपनी बच्ची से मिल सकते हो, वो भी सिर्फ महीने में एक बार। क्या तुम सच कह रही हो तानिया, क्या मैं परी से मिल सकता हूं? देखो तुम जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन हो मेरी बच्ची के बाप, और तुम्हें अपनी बच्ची से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम अपनी बच्ची से मिल सको, तो तुम्हें मेरी सारी शराइत माननी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी सारी शराइत मानने को तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम परी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें परी का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम जब भी परी से मिलोगे तो मेरी मौजूदगी में ही मिल सकते हो। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों का खर्चा उठाऊंगा। मैं कसम से दो दो जॉब्स करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए मैं सबसे पहले आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे हानिया ने कॉल नहीं की। ना पहले कभी और ना ही तब जब उसको चोट लगी। तो फिर तो शायद आपके फरिश्तों ने आपको ये खबर दी होगी। सारा ने मुझे फोन किया था। उसने मुझसे फोन करके कहा कि हानिया काफी जख्मी हो गई है, इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाए। तो मना करते मत आते, कुछ तो था जो तुम फौरन चले आए। देखो हानिया मेरी कजिन है और मेरा जिसके साथ भी खूनी रिश्ता है, अगर वो तकलीफ में होगा तो मैं आऊंगा उसके पास उसकी मदद के लिए। सॉरी अस्ता, बात इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि मुझे तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व करना पड़ा। सो के साथ एक गलत फहमी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी इस गलत फहमी को हल कर लें उतना ही अच्छा। बहुत चालाक है ये दोनों। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बस कर दें। आप वैसे ही सबकी नजरों में गिर चुकी हैं, और कितना गिरेंगी। तुम तो थाली का बैंगन हो, कभी मेरी तरफ तो कभी हानिया की तरफ। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। बहुत कर लिया आप ही,
बहुत कर लिया आपने हमारी भलाई के लिए। हमें आपकी सोशल सर्विसेज की जरूरत नहीं है, जाए यहां से। अस्सलाम वालेकुम। उफ, बाहर बहुत गर्मी है भाई। बेटा देख लिए ना सारे अरेंजमेंट, सब अच्छे से हो जाए, कोई कमी ना रहे। मम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब देख लूंगा, सब हो जाएगा। हनी हनी मुझे एक ग्लास ठंडा पानी पिला दो। जी मैं लेकर आता हूँ। मिसबा आप इसी तरह सारी तरतीब से रखना, वो देखो वो बैग भी अभी इसमें आने लग चुके, मैं आती हूँ। हानिया बेटा क्या हुआ? हानिया 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 मुझे पानी लेकर आओ। हानिया 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 साथ था, क्या हुआ है? तो आंखें ही नहीं खोल रही है। डोंट वरी अम्मी, डॉक्टर ने कहा था थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अभी मेरा ख्याल है हानिया को होश आ गया। हानिया बेटा, हानिया शुक्र तूने आंखें तो खोली, मैं तो डरी गई थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? अम्मी चक्कर आ रहे हैं। बेटा चक्कर तो आएंगे अभी तुम्हें, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है हमें। अम्मी आप हानिया के लिए कुछ खाने के लिए ले आए, क्योंकि उसे मेडिसिन भी देनी है ना। हाँ तुम बैठो इसके पास, मैं खाने के लिए लेके आती हूँ। जनाब कैसी हैं? ठीक। मुझे कुछ कहना है आपसे। ठीक। थैंक यू। किस बात के लिए? हमारी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। साद बेटा कितना टाइम और है, अब तो बैठे बैठे मेरे जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो गया है। बस थोड़ी सी देर रुक जाए, सारा तैयार हो रही है। अरे तो सारा तैयार होती रहेगी, आप हमें तो फारिग कर देना, हम अपनी दुल्हन को लेकर जाएं। मेरे घर का रास्ता बहुत लंबा है और खतरनाक भी है, लदी फंदी दुल्हन है और आप लोग आजकल के हालात जानते हैं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हम माजरत ख्वाह हैं आपको इतना इंतजार करना पड़ा, चलिए मैं निकाह पढ़वाती हूँ। चल बेटा थोड़ी सी देर और। अब अच्छा है ना दोनों को एक साथ निकाह हो जाए, क्या मौलवी को भी वेट कराओगे? अम्मी प्लीज अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, चलें मजबूरी है। बेटा ये तो मिसबा का बैग असफर की गाड़ी में रखवा दो, उसकी सास ने तो रुखसती के लिए शोर मचा रखा। ये तो मैं रखवा देता हूँ अम्मी, लेकिन शुक्र है कि हमने उनका निकाह करवा दिया। अगर आप ही के ससुरालियों का इंतजार करते तो अभी तक बैठे ही होते। ये तो कितने अजीब लोग हैं, कब कॉल की थी उन्होंने कि हम निकल गए और पहुंच रहे हैं, अभी तक नहीं आए और ना आप कोई फोन उठा रहे। बात तो टेंशन की है, आपने उनके नंबर पर ट्राई नहीं किया था? दोनों माँ बेटे के नंबर बन जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम उनके घर जाके देखो, खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं हो गया। ठीक है मैं देख लेता हूँ। वो अम्मी बहुत बुरी न्यूज़ है। या अल्लाह खैर क्या हुआ बेटा? वो इफ़े भाई है ना, उनकी कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। What? सब खैरियत तो है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? अभी तो वो लोग हॉस्पिटल में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। कब से वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का, इतनी देर कर दी आज फोन करने में।
मुझे एक बात पता चली है। कौन सी बात? क्या आप एक टांग से माजूर हो चुके हैं हमेशा के लिए? इसलिए मुझे आपके मुंह से सुननी है ये बात, क्या ये सच है? हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम एक लंगड़े इंसान का साथ कबूल नहीं? मुझे जवाब दो सारा, तुम्हें जो भी कहना है एक बार कह दो। क्या मैं तुम्हें इस माजूरियत के साथ कबूल नहीं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सारा इतना अच्छा फैसला कर सकती है। अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ अम्मी। वैसे आप ही, ये मौजज़ा हुआ कैसे? तुम सबने तो मुझे बहुत ही बुरा समझ रखा है। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। देखा, हानिया सबसे ज्यादा समझदार है। शुक्र है भाई, आपको हानिया में भी कुछ अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। खासकर आनिया के बारे में बहुत जहर उगला है, बहुत सी साजिशें की। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया यही काफी है। हाँ प्लीज, पुरानी बातों को ना ही दोहराएं तो बेहतर है। साथ तुम जानते हो कि मैंने जानबूझकर हानिया और असफर के खिलाफ कितने झूठ बोले हैं। आप ही जाने भी दें, मुझे कोई बात याद नहीं है और ऐसी बातों को दिल से लगाने का कोई फायदा नहीं होता। खुदा के तकसीम पे कभी राजी होना सीखा ही नहीं मैंने। हर किसी से जलती रही, किसी को अपनाने का हुनर ही नहीं आया मुझे। झूठ, साजिश, धोखा, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया मैंने। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम अपने आप को समझ रही हो और बदलने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी मुस्लिम हूँ हानिया। मैं जानती हूँ कि मुझे माफ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे माफ कर दो हानिया। यार, ये क्या रोना धोना लगाया आप लोगों ने? और अभी कल आपकी रुखसती है, चेयर अप यार, चिल करो। साथ तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदजबानी की है। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने आपकी कभी किसी बात को अपने दिल से नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। अरे हनी, ये वजनी ट्रे उठा के तुम आ गई, मुझे बता देती। बैठो, मैं तो वहीं आ रहा था, क्या जरूरत थी आने की? वो मेरा दिल चाह रहा था कि आज हम कमरे में ही डिनर करें, तो इसलिए मैं खाना यहीं ले आई। माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय बिलव्ड वाइफ, आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे ना, मेरी तो टेंशन बढ़ती जा रही है। आप तो पहले दिन से ही इस बेबी की टेंशन, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे एक बात पूछनी है मुझे तुमसे, अगर लड़का हुआ तो उसका क्या नाम होगा? और अगर हमारे यहाँ लड़की हुई तुम्हारी तरह प्यारी सी, तो उसका क्या नाम होगा? नाम तो मैंने नहीं सोचे, ये काम तो आपका है ना? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना।